So I'll be beginning. Main start karunga. I'll be beginning with Transfer of Property Act, that is TOPA. सबसे पहले EBCL subject का मैं आपको थोड़ा सा introduction देना चाहूँगा कि ये EBCL subject क्या है और इसका weightage कैसा है और कितने marks के लिए यहाँ से आता है. So सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये जो अपना EBCL है, मैं हमेशा भूल जाता हूँ कितने parts में divided है. Part one है, हाँ, अरे मजाक कर था बाबा, याद है मेरे को. चलिए, उसके बाद part two है और उसके बाद part three है. So अपना जो economic, business and commercial law है, ये totally तीन parts में divided है. Part one में economic laws है, कितने marks के? 40 marks के economic laws है. Part two जो है, that is for 25 marks. और इसमें business law है और part three is for 35 marks. इसमें commercial laws है, तो total ये बन जाता है कितने marks का? 100 marks का. ठीक है, अब EBCL एक ऐसा subject है जिसको मैं सबसे आसान सब्जेक्ट मानता हूं. मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे आप बहुत अच्छे तरीके से पास हो सकते हैं. पास तो छोड़ दीजिए, एग्जेम्पशन ला सकते हैं. बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है जो हम फॉलो करते हैं. 25 मार्क के लिए सिर्फ एक चैप्टर है, कौन सा? कंपटीशन एक्ट. 25 मार्क्स के लिए देयर इज ओनली वन चैप्टर. अगर आपने वो चैप्टर कर लिया तो समझ लीजिए 25 मार्क्स आपकी जेब में है. कौन सा चैप्टर है? कंपटीशन एक्ट. और मैं आपको बता दूं, कंपटीशन एक्ट मेरे से अच्छा पूरे इंडिया में कोई नहीं पढ़ाता. हाँ सर, आप तारीफ कर रहे हो. हाँ, तारीफ कर रहा हूं क्योंकि मैंने मेहनत बहुत की है इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्ट्रांग करने के लिए. मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लिए हैं. तो 25 मार्क्स, अगर मैं आपको बोलता हूं कि 25 मार्क यहां पर है, तो 25 में से अगर आप पिछले दो अटेम्प्ट, नए सिलेबस में भी दो अटेम्प्ट के पेपर हुए हैं, दो अटेम्प्ट में, पिछले दो अटेम्प्ट में जितने भी पेपर्स हैं वो सारे या तो एक या तो नोट से थे या फिर क्लासरूम के डिस्कशन से थे. मतलब ऐसे भी कई ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे होते हैं जो घर पे पढ़ाई नहीं करते, सिर्फ क्लास कर लेते, बोले ठीक है हो जाएगा, और घर पे ऊपर ऊपर से देख के एग्जाम देते हैं. ऐसे बच्चे हैं अपने सीएस में. सो वो लोग भी वो क्वेश्चन सॉल्व करके आ पाते हैं, सिर्फ किसके बेसिस पे? क्लासरूम के डिस्कशन के बेसिस पे वो लोग भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं. तो मेरे हिसाब से इस 25 मार्क में से गिरी हालत में आपको 17 मार्क्स आने चाहिए. कॉम्पिटिशन एक्ट डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट लॉ है, बट बिलीव मी, आपको मैं काफी आसान करके ये पढ़ाऊंगा. ये मेरे नोट्स यहां पे बहुत ही अच्छे हैं, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा. दूसरा है ये वाला पार्ट. कौन सा पार्ट? पार्ट वन, जिसमें क्या है? इकोनॉमिक लॉज है. इसके अंदर बच्चे बहुत डरते हैं. किससे? फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इससे बहुत ज्यादा बच्चे डरते हैं. अगर मैं पार्ट वन की बात करूं तो बहुत ज्यादा यहां पर फेमा, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड लॉज है. और पार्ट वन का जो वेटेज है वो कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का. अब इसमें कौन कौन से लॉज आ जाएंगे? इसमें एक तो आ जाएगा आरबीआई एक्ट 1934 आ जाएगा, फिर अपना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आ जाएगा. फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर एक स्कीम है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, वो आ जाएगी. फिर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई पॉलिसी. कौन सी पॉलिसी? एफडीआई पॉलिसी, वो भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 10-12 मार्क का वहां से आता है. उसके बाद छोटे छोटे लॉज है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के ऊपर लॉ है, फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, ईसीबी बोलते हैं जिसको, फॉरेन करेंसी में जो अपन लोन लेते हैं उसके ऊपर एक टॉपिक है. सो ओवरऑल मिक्स्ड बनाया है बच्चों, और मिक्स्ड बना के उनकी कोशिश ये है. मैं आपको एक ही चीज बोल दूं कि नया सिलेबस जो है उसमें वही बच्चे पास होंगे जो मेहनत करेंगे, जो क्लासेस रेगुलरली आएंगे, दोज स्टूडेंट्स वुड ओनली पास. और मैं बोलता नहीं हूं, बट मेरी जो पिछली बैच थी उसमें, पिछले के पिछली बैच है वो, हमारी एकदम हमारी लाइफ की ऐसी बैच थी जिससे हमको कोई उम्मीद नहीं है. उसके बच्चे भी एकदम मस्त थे बच्चों, अपनी इच्छा से आना. उनको पता नहीं, सुसु तो इतना लगता था उनका, एक दो बार मेरे को किडनी चेक कराना पड़ेगा बच्चों. ठीक है, मतलब क्लास में बैठते थे, बैठने के बाद सुसु, मतलब आए फिर गए, मतलब आते थे पानी पीते थे और सुसु जाते थे. मैंने बोला इतना ज्यादा डिसलॉयल्टी, मतलब पानी थोड़ी देर तो पेट में रखो.
और बच्चों अपनी इच्छा से आना। अब तो वो बैच ने इस बार एग्जाम दिया है, बट स्टिल एक दो रैंक तो हमारा लगना चाहिए। बट स्टिल बच्चों वो बैच थोड़ा सा ठीक नहीं था, बहुत ज्यादा बंक मारते थे वो बच्चे। बट उसके उलट भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। जो पिछला बैच था वो बहुत ही अच्छा बैच था, उसमें हमको लगता है बहुत सारा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैं आप लोगों से भी ये उम्मीद करूंगा, और अभी तो ये फैमिली बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, तो मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा बी रेगुलर इन द क्लास, डू नॉट बंक द लेक्चर। लेक्चर बंक सिर्फ दो ही केस में करना, या तो तुम्हारे लेक्चर बंक करने से कोई बच जाए मरता हुआ आदमी, कोई मरता हुआ आदमी बच जाए, या फिर कोई नया आदमी पैदा हो जाए। सो अगर ये दो सर्कमस्टेंसेस हैं, अगर ये दो सर्कमस्टेंसेस हैं तो आप क्या कर सकते हैं। अच्छा सेकंड वाला थोड़ा सा ओके ओके सॉरी मतलब मैं आपको बताना चाहता था कि मतलब मैं आपको एकदम एक्सट्रीम लेवल पे बता रहा हूं कि डोंट बंक द लेक्चर्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, और अभी तो लेक्चर में जो बोलते हैं ना बड़ा देख ताक के बोलना होता है, बिकॉज व्हेन वी रिकॉर्ड द लेक्चर वी आर एक्सपोज्ड, पूरे इंडिया में हम एक्सपोज हो जाते हैं। अभी आपको थोड़े टाइम पहले दो तीन आठ चार पांच दिन पहले एक कांड हुआ था, वो सबको पता ही होगा आपको। तो बच्चों मैंने बहुत सारे लोगों की बजाई हुई है, तो अभी पूरा जमाना मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि साला एक इसका पॉइंट मिले, एक गया काम से। बहुत लोगों ने धमकी दी मेरे को कि बेटा तू देख तू एक पॉइंट बोल और हम तेरे को ऐसा बजाएंगे ना पूरे मार्केट में तेरे को नचवाएंगे हम, ऐसा ऐसा लोगों ने मुझे धमकी दिया है। ठीक है नहीं बच्चे मैं डरता नहीं हूं किसी से, और डरता हूं तो बोलता नहीं हूं बच्चों, अपने मन में ही रखता हूं। एनीवे सो ध्यान से देखेंगे। एनीवे सो 40 मार्क्स का हो जाएगा, कौन सा 40 मार्क्स का हो जाएगा अपना पार्ट वन। 40 मार्क्स का कौन सा पार्ट हो जाएगा, पार्ट वन। पार्ट टू वुड बी फॉर 25 मार्क्स, एंड पार्ट थ्री कौन सा है, पार्ट थ्री कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ बच्चों वो डंप किया है उन्होंने, मतलब ये 35 मार्क के लिए इतना ज्यादा पढ़ना है, पार्ट वन और पार्ट टू मिला के जितना नहीं पढ़ना है, वो अपने वो कहां पे स्ट्रगल करना है, ये 35 मार्क्स जो कमर्शियल लॉ है। कमर्शियल लॉस के अंदर कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कि बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, कुछ लॉस हैं जो क्या है सच में बहुत अच्छे हैं। उसके बाद सालों ने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये चार एक्ट तो फोकट में डाल दिए बच्चों। सो ये चार लॉ डालने के पीछे इंटेंशन क्या है मैं आज भी ढूंढ रहा हूं, ठीक है। सो मेरे हिसाब से बट ये चारों लॉ मिला के 10 मार्क का वो लोग पूछते हैं, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैं एज सच क्लास में पढ़ाता नहीं हूं, बिकॉज मैंने फाउंडेशन में ऑलरेडी पढ़ा, और मैं यहां पे पढ़ाऊंगा तो सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा, बिकॉज इट टेक्स ऑलमोस्ट 30 डेज, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप और नेगोशिएबल। नेगोशिएबल अगर आप बोले तो मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि नेगोशिएबल आप सब फाउंडेशन में ऑप्शन पे रख के जाते हैं, नहीं रखे गए तो बहुत अच्छा, नहीं हम तो पढ़ाते हैं आईकैन में, बट कई लोग तो मैं नेगोशिएबल आपको यहां पे मैं पढ़ा दूंगा पूरा। और कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप जिसको पढ़ना है वो अपने लैपटॉप पे मेरे से एक पेन ड्राइव ले सकते हैं, आप उस पे देखिए, बट मैं एडवाइस करूंगा मत देखिए, बिकॉज इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम। मतलब आपने पूरा वही पढ़ना है जो कहां पे पढ़ा है आपने, तो उससे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप नोट्स मैंने बहुत अच्छे बनाए हैं, सिंपल नोट्स हैं, आप वो देखिए, और नोट्स के साथ में क्वेश्चन आंसर है तो आप वो भी देख सकते हैं। बट बाकी की चीजें अपन बहुत डीप में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी इसका पार्ट है, किसका। अब ये जो मैं आपको जो मॉड्यूल का सीक्वेंस है, आई डोंट फॉलो दैट, मैं ऐसा करता हूं कि इंपॉर्टेंट प्लस इजी टॉपिक पहले लूंगा, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ाऊंगा तो ये इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा समझने वाला भी है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक इजी टॉपिक ले लूंगा, उसके बाद मैं एकदम डिफिकल्ट ले लूंगा, और जब एक बार मुझे लगेगा कि सारे बच्चों ने मतलब अटेंडेंस रेगुलर होगी तो फिर मैं कंपटीशन एक्ट पढ़ा दूंगा। कंपटीशन एक्ट हम लोग मेरे ख्याल से 10 दिन पढ़ते हैं, लगभग 20 आवर्स पढ़ेंगे, 20 या 22 आवर्स में मैं आपको कंपटीशन एक्ट पढ़ाता हूं, जो कितने मार्क्स का है, 25 मार्क्स का। तो मेरे हिसाब से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप पार्ट थ्री भी देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 लॉ मिला के आप मान लीजिए आता है 25 मार्क का। तो ये 25 भी बहुत आसान है, मतलब कुल मिला के मैं सभी बोल रहा हूं बच्चों, लगे तो मैं आपको EBCL का इस बार का पेपर दिखा दूंगा। EBCL
में अगर आपने मेहनत अच्छे से की है, क्लासेस बराबर से अटेंड की है, तो काफी अच्छा होगा. लेकिन अब ध्यान सुनिएगा, दिसंबर 2020 की अगर मैं बात करूं तो पेपर वुड बी डिफिकल्ट. क्यों डिफिकल्ट होगा सर? इज देर एनी लॉजिक बिहाइंड इट? पेपर डिफिकल्ट होगा, क्या लॉजिक है? यस देर इज अ लॉजिक. लॉजिक क्या है बच्चों? मेरी हमेशा लगती है इन द सेंस, अभी 4 साल तक तो वो बच्चों पुराने सिलेबस में एमसीक्यू थे, वो तीनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एमसीक्यू थे. तो बच्चों इंस्टीट्यूट क्या करती थी, लॉ के सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं देती. क्यों नहीं देती? तो बच्चों जब तक 4 साल तक वो एमसीक्यू था, आप बिलीव नहीं करेंगे, उन 4 साल तक सिर्फ मेरा एक ही बच्चा है जो 80 के ऊपर लाया सिक्योरिटीज लॉ में. मेरा स्टूडेंट है सनी गोगिया, ही स्कोर्ड 82. उसके पहले या 4 साल में सिर्फ एक ही बच्चा जो 80 के ऊपर गया, 70 के ऊपर 2 ही स्टूडेंट जो गए. नेहा करके कोई लड़की थी, शी स्कोर्ड 76 इन कंपनी लॉ, और EBCL में एक बार एक बच्चे का 70, ECL था उसमें 70 आया था. जैसे ही नया सिलेबस आया मैं खुश हो गया, क्योंकि पूरा डिस्क्रिप्टिव था, तो इसमें लॉ में मार्क्स मिलना शुरू हो गए. तो अभी आप देखेंगे तो JIJL में किसी को 77 आए, SBC में किसी को 74 आए, कंपनी लॉ में समवन्स कोड 69. तो मैं खुश था. लेकिन अभी क्या हो गया, अभी फिर से वही पीरियड वापस आ गया. कौन सा? 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स क्या हो गए हैं, एमसीक्यू हो गए हैं. तो लॉ में वो क्या करेंगे, अब लॉ में मार्क्स काटेंगे, क्योंकि एमसीक्यू में वो कितना भी टफ पेपर स्कोर करें, यू हैव अ चांस ऑफ सक्सेस. और अभी 3 एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे हिसाब से, अभी तो नहीं है, अभी तक कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया. तो जहां तक नहीं होगा, अनलेस कोई सरप्राइज ना आ जाए, ICSI बहुत माहिर है सरप्राइज देने में. सो एंड व्हाट एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, मेरे ख्याल से नेगेटिव मार्किंग नहीं आएगी. सो कुल मिला के शहीद कौन होगा बच्चों? हमारे लॉ के 2 सब्जेक्ट जो हैं, ग्रुप 2 की बात करूं तो ये शहीद होंगे. सो यहां पे पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा. यस, पेपर का और FM में तो SM है 40 मार्क्स का, तो वो तो कितना, 30 का है कि 40 का है? 40 है रे बाबा, 40 मार्क्स का SM है. तो उसमें आप काफी अच्छा क्या कर सकते हैं, उसमें सिर्फ सर के जो नोट्स हैं वो एकदम अच्छे से पढ़ना, मॉड्यूल जैसे ही है सर के नोट्स, तो आप वो एकदम अच्छे से पढ़ोगे तो FM SM आप मैनेज कर सकते हो. फिर MCQ, जो भी MCQ में लक चलता है, तो जिसका चलता है बच्चों जय श्री राम, वो बाजी मार सकता है. तो कुल मिला के आपको वो लोग लॉ के सब्जेक्ट्स में ही थोड़ा सा परेशान करेंगे. और ग्रुप 2 का जो दूसरा सब्जेक्ट है सिक्योरिटीज, उसमें तो इंस्टीट्यूट बहुत फेमस है. इस बार मैं कल का क्वेश्चन पेपर देख रहा था सिक्योरिटीज का, तो लगभग उन्होंने 4 और 4 8 12 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे पूछे जिनका नोट्स में या मॉड्यूल में जिक्र नहीं था. एक था रीक्लासिफिकेशन ऑफ प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग, प्रमोटर स्टेटस, वो 4 मार्क का क्वेश्चन था. लेकिन अच्छी बात थी कि उसके ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ था. एक क्वेश्चन था कि क्या म्यूचुअल फंड के एडवर्टीजमेंट में सेलिब्रिटीज का यूज कर सकते हैं, तो ये मैंने नोट्स में नहीं था, मॉड्यूल में भी नहीं था, क्योंकि मॉड्यूल में नहीं था इसलिए मैंने नोट्स में नहीं डाला. बट यस, आप कभी भी नोट मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि भाई आप सेलिब्रिटीज को यूज नहीं कर सकते. क्यों? फिर तो म्यूचुअल फंड कितना भी घटिया हो, विराट कोहली आ रहा है, आई एम इन्वेस्टिंग इन दिस म्यूचुअल फंड, आप तो क्या करेंगे बच्चों, लोग इन्वेस्ट करेंगे, स्कीम नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे, विराट. तो ये मैंने क्लास में डिस्कस किया था, तो बच्चे इसका आंसर लिख पाए. बट रीक्लासिफिकेशन उनको नहीं आया, तो एतिहादन तौर पे मैंने नोट्स में कई चीजें ऐसी डाली हैं जो मॉड्यूल में नहीं है, बट मैंने लिखा है कि भाई मॉड्यूल में नहीं है, बट इसलिए डाला है मैंने ये क्योंकि एग्जाम में वो 10 मार्क का पूछते ही है बाहर से बच्चों, मतलब उनका ट्रेंड है ICSI. क्यों? क्योंकि सिक्योरिटीज उन्होंने कंपेरेटिवली मॉड्यूल उन्होंने पतली बनाई है, 300 पेज की मॉड्यूल है ICSI की, तो वो उनका ट्रेंड है, वो 10 मार्क का आपसे क्या पूछते हैं. लेकिन देखिए 10 मार्क्स में से भी 12 मार्क्स में भी से भी 4 से 8 मार्क ऐसा है जो मैं क्लास में डिस्कस कर लेता हूं. रीजन ये है कि मैं CS फाइनल में एक सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग, वो सिक्योरिटीज का नेक्स्ट बड़ा भाई है, तो मैं वो भी पढ़ाता हूं, तो मैं उसके सारे कुछ ना कुछ क्लास में डिस्कस करता हूं. अच्छा, एक और चीज, ICDR 2018 लागू हो गया है, तो जो पुराने बच्चों ने 2009 पढ़ा था वो 2018 सिमिलर ही है, उतना कुछ डिफरेंस नहीं है, तो सिक्योरिटीज में आप वो भी पढ़ेंगे. एनीवे बच्चों, विद दैट हैप्पी नोट, मैं चाहूंगा कि हम लोग आज से अपने सिलेबस की शुरुआत करें. टॉपिक जो मैंने आज के लिए चुना है, दैट इज व्हाट बेटा, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. काफी अच्छा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका वेटेज. अब मैंने ये कहा कि 25 मार्क के लिए 5 टॉपिक आएंगे,
अब आप मान के चलिए कि उस 25 में से 10 मार्क का क्या आएगा, अब 25 में से 10 मार्क्स का क्या आएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. सो दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. चलिए, सो आउट ऑफ 25 मार्क्स 10 मार्क का टूपा आएगा. सर आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने के पहले इतना उसको टॉप उसके मार्क्स क्यों बताते हो बच्चों? बच्चों मारवाड़ी हूं, जब पता समझ में आता है प्रॉफिट ज्यादा है तो फोकस भी ज्यादा रहता है, इसलिए मैं आप सबको बताता हूं 10 मार्क है आपके एग्जाम में इस टॉपिक से, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है 10 मार्क के कंपैरिजन में, पढ़ना अपने को क्या है बहुत ज्यादा है इसमें, मतलब मेरे मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है 10 मार्क के लिए है, बट पढ़ना यहाँ पे बहुत ज्यादा है, जस्टिफाइड नहीं है. जो पुराना सिलेबस था इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ, उसमें यहां से 20 मार्क के क्वेश्चन आते थे, बट नए सिलेबस में ये 10 मार्क के लिए. और उन्होंने कंटेंट क्या रखा है, कंटेंट सेम है पुराने सिलेबस जैसा, बट डोंट वरी 10 मार्क मिल गए तो बहुत बड़ी बात है अपने लिए. सो वी विल स्टार्ट, ध्यान से देखिए. सो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे मेरी तरफ बच्चों, टॉपिक का नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ठीक है. टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, द नेम ऑफ द टॉपिक इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. तो लेट्स सी, सबसे पहले तो मुझे बताइए ट्रांसफर शब्द का मतलब क्या होता है. आप में से कई लोगों ने सीएस फाउंडेशन में सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है, सो ट्रांसफर शब्द का मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से क्या होता है, पोजिशन नहीं, एग्जैक्टली. सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से ट्रांसफर शब्द का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ है भैया क्या, ट्रांसफर करना, ओनरशिप को ट्रांसफर कर देना. किसके हिसाब से, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से ट्रांसफर शब्द का मतलब यह है कि किस चीज को ट्रांसफर कर देना, ओनरशिप को. लेकिन अपन कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से ट्रांसफर शब्द के अंदर सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा इन द सेंस सेल, गिफ्ट, लीज, मॉर्गेज, एक्सचेंज. मतलब एक मिनट, जब मैं प्रॉपर्टी सेल करता हूं, जब मैं प्रॉपर्टी क्या करता हूं, सेल करता हूं, मैं आपको क्या दे रहा हूं, मैं आपको क्या दे रहा हूं, पोजेशन या ओनरशिप, ओनरशिप दे रहा हूं. सेल करना मतलब ओनरशिप देना. लेकिन जब मैं आपको प्रॉपर्टी किराए पे देता हूं, लीज पे देता हूं, मैं आपको क्या कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं या ओनरशिप दे रहा हूं या पोजेशन दे रहा हूं, पोजेशन. मॉर्गेज, मॉर्गेज नहीं पता, मॉर्गेज में क्या दे सकते, नहीं मॉर्गेज अलग अलग टाइप का होता है. मॉर्गेज क्या होता है, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, तो उसमें सेल्फ ओनरशिप भी जा सकती है और पोजेशन भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि मॉर्गेज का टाइप क्या है, मॉर्गेज का टाइप कौन सा है. एक्सचेंज, एक्सचेंज कुछ नहीं, मेरे पास एक प्रॉपर्टी मैंने आपको दे दी, उसके बदले आपने अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दी, ठीक है. सो एक्सचेंज भी हो गया. गिफ्ट, मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी क्या कर दी, गिफ्ट कर दी. सो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगा, असाइन भी होता है ना प्रॉपर्टी, मैं आपको क्या कर सकता हूं, अपनी असाइन भी कर सकता हूं. असाइन कर सकता हूं मतलब, असाइनमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ अ बेनिफिट. असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ अ बेनिफिट. मैंने बोला जाओ जाके प्रॉपर्टी के ऊपर रहो, दो साल तक रहो, तुमको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, स्टे इन द प्रॉपर्टी, टेक द बेनिफिट्स ऑफ द प्रॉपर्टी. सो ट्रांसफर शब्द का जो डेफिनेशन है, जो ट्रांसफर शब्द का मतलब है, किसके हिसाब से, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से जो ट्रांसफर शब्द का मतलब है वो क्या है बच्चों, और क्या है वो, लिमिटेड है या वाइड है, काफी वाइड मीनिंग है. कौन से शब्द का, ट्रांसफर शब्द का, कौन से एक्ट के हिसाब से, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से, ठीक है. सेल ऑफ गुड्स का काफी सिर्फ एक ही मीनिंग है, सेल का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. ओके, ऑफ मतलब का, ना प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया,
प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, मूवेबल और इमूवेबल. नाउ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या है? अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का प्रीएम्बल देखेंगे, क्या देखेंगे? प्रीएम्बल. व्हाट इज प्रीएम्बल? लॉ शुरू होने के पहले लॉ के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कहां पे लिखे होते हैं? प्रीएम्बल में. तो प्रीएम्बल क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ है कि भैया ये जो लॉ है वो किससे डील करता है? ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो भैया ये जो लॉ है वो किससे डील करता है? ट्रांसफर ऑफ व्हाट? ये लॉ किससे डील करता है? ट्रांसफर करने से. कौन सी प्रॉपर्टीज को? इमूवेबल प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर. नाउ व्हाट आर इमूवेबल प्रॉपर्टीज? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइन किया गया है मूवेबल प्रॉपर्टीज को. यस ऑर नो? या सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइन किया है गुड्स को. किसको डिफाइन किया है? गुड्स का मतलब क्या होता है? एवरी इमूवेबल प्रॉपर्टी, सॉरी एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग गुड्स मीन्स एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग करेंसी. एक्सक्लूडिंग व्हाट बेटा? एक्सक्लूडिंग करेंसी. याद है आप सबको? एंड एक्शनेबल क्लेम. बट इंक्लूडिंग ships and stocks. ship और stock को include करता है. और फिर एक और चीज लिखी है नीचे, क्या? yes, grass, growing crop and trees are also movable, are also goods. लेकिन कब? if they are agreed to be severed from the land before their sale. yes or no? so grass, growing crops, grass or standing timber. ट्रीज नहीं, सॉरी, स्टैंडिंग. याद है क्या आपको? तो ग्रास, क्रॉप्स और स्टैंडिंग टिम्बर, इनको आप गुड्स कब मानोगे? इनको आप मूवेबल प्रॉपर्टी कब मानोगे? अगर इनको बेचने के पहले आपने जमीन से क्या कर दिया है? अलग कर दिया है. मतलब आपने जमीन से इनको अगर अलग किया है तो ही क्या है ये? अगर आपने इनको जमीन से अलग किया है तो ही क्या है ये? मूवेबल है. अदरवाइज क्या है ये? तो जब तक एज लॉन्ग एज जब तक ये अर्थ से अटैच्ड है, जमीन से जुड़े हुए हैं, व्हाट यू वुड बी कंसीडरिंग देम? आप उनको क्या मानोगे? यू वुड बी कंसीडरिंग देम एज इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी? मुझे बताइए, व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी? सिंपल है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है. एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है. या फिर आप बोल सकते हो ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास और स्टैंडिंग टिम्बर. लेकिन कब? जब वो अर्थ से क्या है? अटैच्ड है. तो क्या है वो? एक्शनेबल क्लेम क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है. करेंसी, करेंसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है. Is that clear? So now, इधर देखिए. So ये जो law है ये किससे deal करता है? This law deals with transfer of which property? This law deals with transfer of immovable property. So दो parties के बीच में अगर dispute हो जाए, किस चीज को लेके? Properties के transfer को लेके. Properties के transfer को लेके क्या इस एक्ट के अंदर केसेस चालू हो सकते हैं? यस. एक्ट मतलब कानून. बनाया गया कब? 1882 में, आजादी के पहले. मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया, लेकिन टाइम टू टाइम इसमें क्या किया है? अमेंडमेंट्स हुए, चेंजेस हुए. सो व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? सो टोपा इज एन एक्ट that deals with what? Transfer of what? Immovable property. अब बच्चों, immovable property ना दो लोगों के बीच में transfer हो सकती है, right? अगर आपको immovable property transfer करनी है तो कितने लोग चाहिए? कम से कम दो लोग चाहिए. अब ये जो दो लोग आपको चाहिए,
इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए यू नीड दीज टू पीपल, इन दो में से अगर एक मरा हुआ है तो चलेगा क्या? हाँ, नहीं चलेगा। हमेशा याद रखना, एक इंसान मरने के बाद अपनी विल बनाता है, क्या बनाता है? वसीयत बनाता है, विल बनाता है, और उसमें लिख के जाता है कि भाई मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरे चार बेटों को बांट देना। यह भी तो ट्रांसफर है ना, यह भी तो क्या है? बट इस टाइप के ट्रांसफर, इस टाइप के ट्रांसफर किसके अंदर कवर्ड नहीं है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर ये ट्रांसफर कवर्ड नहीं है। ये ट्रांसफर कौन से एक्ट के अंदर कवर्ड है? हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर कवर्ड है। अगर आप मुस्लिम हैं तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके अंदर ये सारे ट्रांसफर क्या हैं? कवर्ड है। सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किससे रिलेट करता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किससे डील करता है? इट डील्स विथ विच ट्रांसफर? इट डील्स विथ इंटर वाइवोस ट्रांसफर्स। नाउ व्हाट इज इंटर वाइवोस ट्रांसफर सर? इंटर वाइवोस ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? इट मींस ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्संस। इंटर वाइवोस ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन टू लिविंग पर्संस। हाँ सर, किसी फ्यूचर पर्सन के फेवर में भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। फ्यूचर पर्सन बोलता हूं जो अभी पैदा नहीं हुआ है, क्या उसके फेवर में ट्रांसफर हो सकता है प्रॉपर्टी? यस, सेक्शन 13 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 13 जो है उसमें प्रोविजंस हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है किसके फेवर में? किसके फेवर में? अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में। यस, नंबर वन। नंबर टू, बच्चों ध्यान से देखेंगे। नंबर टू, क्या फ्यूचर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है? अभी तो मैंने फ्यूचर पर्सन कहा, मैं आपसे बात कर रहा हूं फ्यूचर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। कैन फ्यूचर प्रॉपर्टी बी ट्रांसफर्ड? अच्छा, क्वेश्चन नहीं समझा, थोड़ा सिंपल कर देता हूं। एक फ्लैट बना रहा हूं मैं, या एक बंगला बना रहा हूं मैं आपको बंगलो सेल कर रहा हूं 1 करोड़ रुपए में, लेकिन अभी बंगला बनाना शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो खाली प्लॉट पड़ा है। तो ये बंगला क्या है? करंट प्रॉपर्टी है, फ्यूचर प्रॉपर्टी है? फ्यूचर प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? तो फ्यूचर प्रॉपर्टी मैं आपको सेल कर सकता हूं। कैन आई सेल यू द फ्यूचर प्रॉपर्टी? यस और नो? यस, आई कैन ऑल्सो सेल यू द फ्यूचर प्रॉपर्टी विच इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। तो क्या वो ट्रांसफर भी इस एक्ट के अंदर कवर होगा? यस, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट टू सेल होगा या अग्रीमेंट टू सेल होगा? जब तक प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में नहीं आती, दैट वुड ऑपरेट एज वॉट? अग्रीमेंट टू सेल। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू बच्चों? चलिए, सो ओवरऑल अगर आप देखें, अगर आप ओवरऑल देखें, सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कौन सा एक्ट बच्चों? ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इट्स अ वेरी गुड लॉ दैट डील्स विद व्हाट? दैट डील्स विद व्हाट? ट्रांसफर ऑफ विच प्रॉपर्टीज? ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। इज दैट क्लियर? बिटवीन टू लिविंग पर्संस, ठीक है। चलिए कुछ डेफिनेशन देखते हैं। कंपनी सेक्रेटरी को क्यों जानना चाहिए ये लॉ? सबसे पहला, व्हाई शुड अ कंपनी सेक्रेटरी नो दिस लॉ? कंपनी सेक्रेटरी को ये लॉ जानना जरूरी क्यों है? कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए। ये लॉ अगर नहीं जानोगे तो 10 मार्क का तुम्हारा क्या हो जाएगा? सीधा साधा नुकसान होगा बच्चों, सीधे सीधे नुकसान होगा। तो सबसे पहले तो भाई एग्जाम में आता है 10 मार्क के लिए, इसलिए जानना जरूरी है। दूसरा रीजन ये है कि जब आप कंपनी में काम करते हैं, सो यू एक्ट एज वन बेटा। छोटी कंपनीज जो होती है वहां पे आप बतौर लीगल ऑफिसर काम करते हो। जो छोटी कंपनीज होती हैं वहां पे आप कैसे काम करते हो? वहां पे आप बतौर लीगल ऑफिसर काम करते हो। और भैया जब आप एज अ लीगल ऑफिसर काम करो, एज अ लीगल ऑफिसर काम करो, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब आप लीगल ऑफिसर बन के अगर काम करोगे तो अपने को जितनी भी कंपनीज की इमूवेबल प्रॉपर्टीज रहती हैं उनका क्या मेंटेन करना होता है? अपने को उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, उनका ट्रांसफर करवाना होता है, फिर
अपने को वो प्रॉपर्टीज क्या करनी होती है, गिरवी भी रखनी होती है ना कंपनी को, जैसे लोन चाहिए 10 लाख रुपए का, 10 करोड़ रुपए का, तो उन प्रॉपर्टीज को अपन क्या करते हैं, गिरवी रखते हैं। तो गिरवी रखने का प्रोसीजर क्या है, मॉर्गेज करने का प्रोसीजर क्या है, और कंपनीज एक्ट में भी मॉर्गेज कवर्ड है, चार्ज कंपनीज एक्ट के अंदर अपन ने चार्ज पढ़ा है या पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे भी ये चीजें कवर्ड होती हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी को बेसिकली पता होना चाहिए कौन सा लॉ, लॉ दैट डील्स विद ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। Many times in the organization, comma, the company secretary may be asked to make compliances relating to purchase or sale of immovable property. That Transfer of Property Act will make students familiar with the laws related to what? Immovable properties. The Act deals with which transfers? Inter vivos transfer. What inter vivos transfer are? Kya hote hain? Between two living persons. Chaliye. Now we'll see definitions. Instrument. इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, पीस ऑफ पेपर, सबको पता है इंस्ट्रूमेंट का मतलब, वही लिखा गया, एनी पीस ऑफ पेपर, कागज का एक टुकड़ा, ध्यान से किया, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, ये खाली कागज है, इज इट एन इंस्ट्रूमेंट? एक खाली कागज जो है वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बट इस खाली कागज के ऊपर मैं लिख दूं, आई प्रोमिस टू ट्रांसफर माई बंगलो टू श्याम बाय गिफ्ट या एज अ गिफ्ट ऑन दिस दिस डेट, और यहां पर मैंने अपना साइन कर दिया। सो नाउ क्या खाली पेपर अब इंस्ट्रूमेंट बन गया है? क्या खाली पेपर अब एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है? क्यों भाई? हमेशा याद रखिए, कागज का एक ऐसा टुकड़ा, कागज का एक ऐसा टुकड़ा जो कि क्या क्रिएट करे। अच्छा, यहां पे क्रिएट लिखना थोड़ा सा नाइंसाफी होगी, यहां पे बहुत सारी चीज लिख सकते हैं, क्रिएट, असाइन, ट्रांसफर, रेस्ट्रिक्ट, लिमिट, एक्सटिंग्विश, सब कुछ। एक मिनट, कागज का एक टुकड़ा जो क्या क्रिएट करे, जो या तो क्या करे, क्रिएट करे, क्या करे, या फिर ट्रांसफर करे। ट्रांसफर करे मतलब पहले मेरे पास था, अब आपके पास चला गया। एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश मतलब एक पार्टी का राइट पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। सो एक कागज का टुकड़ा जो क्रिएट करे, असाइन और ट्रांसफर दोनों का मतलब यहां पे एक ही मान लीजिए, कम करे, लिमिट करे, या फिर क्या करे, लिमिट का मतलब भी क्या है, रेस्ट्रिक्ट है, लिमिट का मतलब भी कम करे, या फिर क्या करे, एक्सटिंग्विश कर दे, किस चीज को, राइट्स और ऑब्लिगेशन को। तो उस कागज के टुकड़े को मैं क्या कहूंगा, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट शब्द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट में भी डिफाइंड है, इंडियन स्टैंप एक्ट में भी डिफाइंड है, इंडियन नोटरीज एक्ट में भी क्या है, डिफाइंड है। सो सिंपल सी बात है, जब दुष्यंत जैन प्रॉमिस करता है, क्या प्रॉमिस करता है, कि वो अपना बंगला किसको बेच देगा, शाम को, तो दुष्यंत का राइट क्रिएट हो रहा है या एक्सटिंग्विश हो रहा है, दुष्यंत का राइट क्रिएट हो रहा है, एक्सटिंग्विश हो रहा है, दुष्यंत का राइट एक्सटिंग्विश हो रहा है परंतु श्याम का राइट क्रिएट हो रहा है, दुष्यंत राइट इज गेटिंग एक्सटिंग्विश्ड व्हाइल श्याम राइट इज गेटिंग क्रिएटेड। अब यहां पे होता, आई ट्रांसफर माई बंगलो एज लीज या ऑन लीज, तो क्या होता, मैं आपको अपना बंगलो ट्रांसफर कर रहा हूं, किस पे, लीज पे, तो मेरा राइट क्रिएट हो रहा है, असाइन हो रहा है या लिमिट हो रहा है, असाइन भी हो रहा है और मेरा राइट क्या हो रहा है, लिमिट कम भी हो रहा है ना, आपका राइट क्या हो रहा है, आपका राइट क्रिएट हो रहा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन जब मैं लीज बोलता हूं 10,000 रुपए महीने की, तो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन भी आ रहा है और मेरे फेवर में क्या आ रहा है, एक राइट आ रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो इंस्ट्रूमेंट इज इन डॉक, और इंस्ट्रूमेंट अपन क्यों डिफाइन कर रहे हैं यहां पर, इंस्ट्रूमेंट शब्द को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, बच्चों इंस्ट्रूमेंट शब्द को मैं आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्यों पढ़ा रहा हूं। ओ भैया, जब आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना होता है तो आपको एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, सिर्फ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट से। कौन से इंस्ट्रूमेंट से? सिर्फ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट से ही आप क्या कर सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं।
Is that clear? Is that clear? Second, next definition exam में आ चुकी है. क्या है भैया? Attached to the earth, जमीन से जुड़ा हुआ, जमीन से चिपका हुआ. बताइए क्या क्या है attached to earth? हाँ, वो बस घिसा बेटा, वही पढ़ोगे क्या लिखा है. चलिए ध्यान से क्या बच्चे, बहुत सिंपल है. जब मैं अटैच्ड टू अर्थ कहूं तो तीन चीजें याद रखना, एग्जाम में आएगा दो नंबर के लिए. अच्छा, जो भी चीजें अर्थ से अटैच्ड है वो मूवेबल है या इमूवेबल है? पक्का? चलो ठीक है, देखते हैं. सो इधर देखो, अटैच्ड टू अर्थ के अंदर पहला होता है रूटेड टू द अर्थ. पहला क्या होता है? सो रूटेड टू द अर्थ मतलब क्या हो गया? पेड़ पौधे, घास फूस, ये सब क्या है बच्चों? ये सब क्या है बच्चों? रूटेड टू द अर्थ. तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जिस चीज की भी जड़ें, जिस चीज की भी जड़ें कहां पे हैं? जमीन के अंदर हैं, अर्थ में हैं. वो सारी चीजें क्या हैं? वो सारी चीजें हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो पेड़ पौधे जितने भी दिखते हैं, इन सब की जड़ें कहां पे हैं? इन सब की जड़ें कहां पे हैं बच्चों? जमीन के अंदर है. तो ये क्या है? अच्छा, गमला, खाली गमला क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी. गमले में डाल दी मिट्टी और मिट्टी में लगा दिया एक पौधा. हमेशा याद रखना, गमला रिमेन्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी वाइल द पौधा जिसकी जड़ कहां पे है? मिट्टी में है. वो क्या है? इमूवेबल. हमेशा याद रखना. एक और चीज याद रखना, कोर्ट के डिसीजन के आधार पे, कोर्ट के डिसीजन के आधार पे, ये बहुत अच्छी चीज है आपको जड़, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलती है? अटैच्ड टू अर्थ. तो अगर या रूटेड टू, अटैच्ड टू अर्थ का मतलब क्या होता है? रूटेड टू अर्थ. तो जिस चीज की जड़े कहां पे? जिस चीज की जड़े जमीन में है वो क्या है? वो क्या है बच्चों? इट्स एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. अच्छा, इसमें एक और चीज है, अगर आप किसी प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो, किसी प्रॉपर्टी को एक जगह से उसके बेसिक कैरेक्टर को अल्टर किए बिना, उसके बेसिक कैरेक्टर को अल्टर किए बिना, तो वो मूवेबल है. तो आप एक पौधा एक जगह से उखाड़ते हो और उसको दूसरी जगह पे लगा देते हो, क्या उसका बेसिक कैरेक्टर चेंज हो जाता है? क्या उसकी क्वालिटी खराब होती है? उसका बेसिक कैरेक्टर चेंज हो जाता है. तो गमला क्या है? गमला बट उसमें अगर आपने पौधा लगाया तो वो पौधा क्या है? एज लॉन्ग एज दैट पौधा इज द पार्ट ऑफ दैट मिट्टी इन द गमला, इट इज व्हाट? इमूवेबल प्रॉपर्टी. बिकॉज डेफिनेशन क्लियरली सेज क्या है? जिस चीज की जड़े कहां पे हैं? जमीन में, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, हाँ, लेकिन आपने पौधा उखाड़ दिया तो उखड़ा हुआ पौधा क्या बन जाएगा? मूवेबल प्रॉपर्टी. क्यों? क्योंकि बिकॉज नाउ it is not rooted to the earth. Point number one. So something which is attached to the earth, something which is attached to the earth is what? Is immovable property. Attached to the earth ke andar sabse pehla kya aa gaya? Rooted to the earth. Dusra is something which is embedded into the earth. What is embedded in the earth? एम्बेडेड का मतलब अगर आप गूगल देखेंगे तो वो आता है परमानेंटली फास्टेंड टू द अर्थ. जिसको परमानेंटली अर्थ में क्या कर दिया गया है? फिक्स कर दिया गया है. बच्चों, आटा, गेहूं पीसने की मशीन देखी है आपने कभी? वो जब जहां जाते हैं अपन, हाँ, चक्की, आटे की चक्की बोलते हैं जिसको अपन, कभी आपने देखी है वो मशीन? मैं घर वाली बात नहीं कर रहा हूं, घर वाली तो अपने घर पर होती है. जो मिल होती है वहां पे अगर आप गए होगे तो देखना, वो आटे की चक्की ऐसे करके कुछ होता है, एक चक्का ऐसे होता है, ऐसे करके कुछ लगा रहता है, और यहां पे एक प्लेटफॉर्म होता है, चबूतरा होता है, और कुछ नट बोल्ट से इस मशीन को इस चबूतरे पे फिक्स किया जाता है. देखा है आपने? यस, दैट इज परमानेंटली फास्टेंड इन टू द अर्थ. क्या किया है आपने उस चबूतरे को? परमानेंटली क्या किया है? अर्थ में फिक्स किया हुआ है. देन घर वगैरह बनाते हैं अपन, ये जिस बिल्डिंग में अपन बैठे हुए हैं इसको क्या किया गया? परमानेंटली और टेम्परली फास्टन किया गया. कैसे परमानेंटली फास्टन किया आपने इसको? आपने जमीन के अंदर गड्ढा खोदा है,
गड्ढा खोद के आपने बड़ा सा कॉलम बनाया है और उस कॉलम को आपने जमीन से चिपकाया है सीमेंट और छड़ के माध्यम से, रॉड के माध्यम से आपने एक मिक्सचर बना के इस पूरे बिल्डिंग को जमीन से क्या किया है, आपने परमानेंटली चिपकाया है या फिर अटैच किया है। चिमनीज, ऑयल रिक्स पता है आपको क्या होती है बच्चों? तेल निकालने के लिए देखा होगा बच्चों आपने, इधर मैं दिखा देता हूं, गूगल है मेरे पास बट इंटरनेट नहीं है, छोड़ दो, हॉटस्पॉट मैं नहीं लेता किसी से। एक स्टूडेंट से मैंने हॉटस्पॉट मांगा तो उसका नाम क्या था हॉटस्पॉट का, ले भिखारी ले। उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी स्टूडेंट का हॉटस्पॉट नहीं लूंगा। हाँ, दिव्या गोलछा करके मेरी एक स्टूडेंट है। हाँ, एनीवे लुक हियर लुक हियर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सो ऑयल रिग एक शिप टाइप का होता है, ऐसे देखना शिप टाइप का बना होता है और ऐसे जमीन के अंदर बहुत सारे क्या डालते हैं, पाइप्स डालते हैं, यस। और उस पाइप को क्या करते हैं, नीचे जो समुद्र की गहराई वाली सतह होती है ना, जो 8-8, 9-9 किलोमीटर लंबे वो पाइप्स होते हैं, और उसको वहां पे जाके क्या करते हैं, फास्टन करते हैं, फिर वो समुद्र के अंदर से क्या करते हैं, उस पाइप से यस क्रूड ऑयल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्रूड ऑयल निकालते हैं। सो वो ऑयल रिग्स को क्या किया जाता है, परमानेंटली फास्टन किया जाता है। सो व्हाट इज अटैच्ड टू द अर्थ, सबसे पहला क्या है, रूटेड टू द अर्थ, दूसरा क्या है, एम्बेडेड इन टू द अर्थ, और तीसरा एक, हाँ तीसरा कोई ऐसी चीज जिसको अर्थ में परमानेंटली फिक्स किया गया हो या फिर उसमें परमानेंटली फिक्स किया गया हो जो चीज अर्थ में परमानेंटली फिक्स है। आपने किसी चीज को अर्थ में परमानेंटली फिक्स कर दिया, भाई मैंने एक घर बना लिया, ये मेरा घर बन गया छोटा सा 4 फ्लोर का, ठीक है, ये जी है नीचे वाला ग्राउंड, ठीक है, तो ये मेरा घर बन गया, ये घर क्या है, परमानेंटली फिक्स्ड है या नहीं है? हाँ, एकदम परमानेंटली फिक्स्ड है बच्चों, अच्छा है परमानेंटली फिक्स्ड नहीं, तो ज़्यादा थोड़ा भी तूफान आता आपका घर कैसे गिर जाता, फिर पीछे से 4 लोग आते घर को उठा के खड़ा करते। तो बच्चों अपना घर क्या है, परमानेंटली फिक्स्ड है, और इस घर के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, एक टेलीफोन का टावर लगा दिया, नेटवर्क अब कोई प्रॉब्लम हो गई नहीं, पक्षीराज बुरा मान जाएगा। तो बच्चों क्या लगा दिया मैंने, यहां पे टेलीफोन का एक टावर लगा दिया। नाउ मुझे एक चीज बताइए क्या है ये, अब ये टेलीफोन का टावर कहां पे फिक्स्ड है, कहां पे? टेलीफोन का टावर परमानेंटली फिक्स्ड उस जगह पे है जो जगह ऑलरेडी अर्थ में क्या है, परमानेंटली फिक्स्ड। अच्छा, इस घर में मैंने विंडोज लगाई, भोली भाई लड़की खोलो तेरे दिल की प्यार वाली खिड़की, ऐसा गाना चलता था हमारे टाइम में, कुछ भी घटिया गाने चलते थे, रात के बज गए पौने दो प्यार मोहब्बत होने दो, अरे तेरे मुहूर्त के हिसाब से प्यार मोहब्बत करेंगे क्या, जब मन आएगा तब करेंगे साले को, सुना है गाना, रात के बज गए पौने दो, ऐसे कर ऐसा लगता था भारत माता की जय बोल। सो एनीवे सरकाई लो तकिया जाड़ा लगे, ऐसे ऐसे गाने में जो सरकाई लो तकिया जाड़ा लगे, और जाड़ा लगे तो तकिया क्यों सरकाओगे, प्लीज डोंट इंटरप्रेट, वी हैव टू इंटरप्रेट लॉ ओनली। एनीवे तो खिड़की लगा दी आपने, क्या लगा दी, खिड़की लगा दी बच्चों, और बिलीव मी कि ये सब गाने अक्षय कुमार, मोस्ट ऑफ द गाने में अक्षय कुमार था, अब तुमको नहीं पता, हमें वी आर 90s किड तो हमको ज्यादा पता है। एनीवे भगवान सबका भला करे, तो खिड़की लगा दी अपन ने, प्यार वाली खिड़की। हाँ, खिड़की का स्टेटस क्या है, इट इज परमानेंटली फिक्स्ड इनटू द अर्थ। अच्छा, अपन ने फिर बिल्डिंग में लिफ्ट भी लगा दी, लिफ्ट लगा दी यहां पे, क्या है लिफ्ट, इट इज परमानेंटली फिक्स्ड इनटू समथिंग व्हिच इज परमानेंटली फिक्स्ड इनटू अर्थ, ठीक है। दरवाजे लगा दिए, दरवाजे मूवेबल इमूवेबल, दरवाजे कौन बोल रहा है मूवेबल, रिया बोल रही क्या, रिया आई लेट आई क्लास को 1 घंटे, तो मैंने दरवाजा बंद कर दिया, इसका दिमाग खराब हुआ, दरवाजा निकाला जेब में डाला ले गई अपने घर,
क्या दरवाजा निकालना आसान है? आप नहीं निकाल सकते जी दरवाजा. इट इज परमानेंटली फिक्स्ड इनटू समथिंग व्हिच इज परमानेंटली फिक्स्ड इनटू द. इज दैट क्लियर? तो मूवेबल इमूवेबल? इमूवेबल. दीवाल पे कील ठोक देते हैं कई लोग. कील ठोकते हैं. अच्छा, कील परमानेंट होता है या टेम्पररी होता है? ऐसे दो भाई खेलते हैं, चल मैं कील निकालूंगा फिर तू डालेगा, ऐसा होता है क्या कभी? तो बच्चों ये समझने की कोशिश करना, ये सब चीजें कील भी क्या बन जाती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी. इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? चलिए, इनकम टैक्स एक्ट में बहुत प्रॉब्लम होता है मूवेबल और इमूवेबल, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर सेल वेल किया तो क्या हो जाता है? कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है ना. यस. नहीं नहीं नहीं, कैपिटल गेन तो इमूवेबल को बेचा तो भी लगता है, मूवेबल को बेचा तो भी लगता है, रेट अलग होते हैं क्या? नहीं बच्चों, सॉरी, आई एम सॉरी, मैं उस जगह पे गया जो मुझे नहीं आता. आई स्टिक माई सेल्फ टू लॉ इटसेल्फ. तो यहां तक क्लियर है क्या भैया? तो जो भी चीजें अर्थ टू अटैच्ड है, सॉरी अटैच टू द अर्थ है, वो क्या है, मूवेबल या इमूवेबल? अरे क्या है भैया, मूवेबल या इमूवेबल? वेरी नाइस. चलो भैया, नेक्स्ट जो डिस्कशन है, ये डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई दफा आ चुकी है. एब्सोल्यूट इंटरेस्ट. एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरा, और इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? जब हम लोग सीएस करने आए, सीएस एग्जीक्यूटिव में आ गए, फाउंडेशन में तो बच्चे थे, हालांकि मैं नहीं था, बट आ गया मैं एग्जीक्यूटिव में. तो अब क्या होने का, एग्जीक्यूटिव में दो दोस्त थे हम, दोनों मक्कार नंबर एक के, उस समय थे, अब नहीं है. सो डोंट रिग्रेट ऑन योर डिसीजन कि यार कहां अपन ने क्लास लगा ली जिनमें से एक आदमी मक्कार है. नहीं नहीं, ऐसा नहीं. सो इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? तो दो दोस्त थे, मैं नहीं था, कोई भी दो दोस्त थे. क्या नाम है बेटा आपका? नाम क्या है? ये गोवा वाली शर्ट वाला नकुल, ये गोवा वाली शर्ट है. बेटा आपका नाम क्या है? श्याम. सो नकुल और श्याम आते हैं, और श्याम नकुल को बोलता है, देख वही लड़की कितनी बढ़िया है. तो ये बोलता है, अबे तेरी भाभी है, मेरा वहां पे इंटरेस्ट है. मेरा वहां पे क्या है? इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? आपकी भाभी नहीं रहे, दिलचस्पी. सो इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट? इंटरेस्ट का मतलब हो गया दिलचस्पी. ठीक है, सो बच्चे ध्यान से देखेंगे. सो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का मतलब पूरी दिलचस्पी, पूरी तरीके से आप उस प्रॉपर्टी में क्या है, इंटरेस्ट है. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बच्चों. मैं हाल फिलहाल में जिस घर में रहता हूं, मैं वहां पे रेंट पे रहता हूं. मैं, मेरी वाइफ और मेरी छोटी सी बेटी, हम तीनों गोवा गए थे घूमने के लिए, और हमको पता चला कि पुणे में भयंकर भूकंप आए हैं. तो जिस बिल्डिंग में हम रहते थे वो बिल्डिंग पूरी खाक में मिल गई है, मिट्टी में मिल गई है. अब वहां पे क्रिकेट का मैदान है, बच्चे लोग आके क्रिकेट खेल रहे हैं बढ़िया. क्या हमें उतना कोई फर्क पड़ेगा? किस पे थी वो घर, हमने किस पे लिया था? रेंट पे. सो क्या हमारा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है उस जगह पे? बट मान लो अगर वही घर हमने खरीद लिया होता तो, और फिर हमको पता चलता कि भूकंप आ गया है, तो बच्चों क्या हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाती? यस और नो? तो कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का मतलब होता है, दो चॉइस दूंगा, दो चॉइस में से एक चॉइस में आंसर है. एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का मतलब ओनरशिप या पोजेशन? ओनरशिप या पोजेशन? लीज या ओनरशिप? किरायेदारी या ओनरशिप में क्या है आपका चुनाव? ओनरशिप. सो व्हेन यू हैव एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, आपके पास किसी प्रॉपर्टी में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट कब होता है? जब आप उस प्रॉपर्टी को क्या करते हो, ओन करते हो, देन यू हैव एन इंटरेस्ट. देन यू हैव, एंड विच इंटरेस्ट यू हैव? You have an absolute interest. Is that clear? और जिसके पास absolute interest है, मेरे चार दिन पहले मेरे घर पे कोई आया और उसने मेरा घर देखा तो वो बड़ा खुश हुआ यार, बोले यार दुष्यंत तेरा घर बहुत प्यारा है यार. हालांकि नहीं है,
ऐसे मेरे घर पे आओ तो ऐसा लगता है कहाँ गए हो, ठीक है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना घर, बट दूसरे लोगों को वो गांव से आया था इसलिए उसको बहुत पसंद आया, बोले यार क्या घर है तेरा यार, बहुत पैसे वाला है वो, तो बोलता है यार मैं 2 करोड़ में खरीद लूंगा इस घर को। मैंने बोला भाई तेरी औकात नहीं है 2 करोड़ में खरीदने की। तो बोलता है क्यों भाई, घर की कीमत 1 करोड़ 60 लाख है, मैं कितने दूंगा 2 करोड़। मैंने वापस से बोला तेरी औकात नहीं है। तो बोला क्यों नहीं है मेरी औकात। मैंने बोला इस घर का जो मालिक है वो 2000-3000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है, तो उसको 40 लाख रुपए का लालच देके, अरे मेरे घर का जो मकान मालिक है ही इज मिनिस्टर इन द मोदी कैबिनेट, ठीक है, सो नाउ आई वुड नेम हिम। तो बच्चों ध्यान से देखिए, तो मैं ये कह रहा हूं, खैर औकात वकात को छोड़ दीजिए, बट क्या मैं बेचने की, मेरी मेरी बेचने की औकात है क्या? अरे नहीं है बाबा, क्योंकि मैं उस घर का मालिक नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैं रेंट पे रहता हूं, तो मेरे पास उस घर का एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है क्या? हाँ, लेकिन जिसके पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है वो जो चाहे कर सकता है, यस और नो? चलिए सब बच्चे ध्यान से देखिए, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का मतलब होता है कंप्लीट और फुल राइट इन द प्रॉपर्टी। द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी का मालिक है उसके पास क्या है, क्या है? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। द पर्सन हु हैज एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इज ऑथराइज टू एक्सरसाइज व्हाट बेटा, ऑल द राइट्स इन द प्रॉपर्टी। मतलब मेनली क्या कर सकता है बच्चों, सॉरी नॉट मेनली, नेमली बेच सकता है, गिरवी रख सकता है, गिफ्ट दे सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, किराए पे दे सकता है, अरे आग लगा सकता है, अरे हाँ या ना, उसको जो करना है वो कर सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, वही छे, उसको जो करना है वो उस प्रॉपर्टी का कर सकता है, बिकॉज ही हैज व्हाट ही हैज, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। ऑल द ट्रांजेक्शन डन बाय द पर्सन हु हैज एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी आर लीगली एनफोर्सिबल। लीगली एनफोर्सिबल मतलब मैंने प्रॉपर्टी बेच दी, मैंने क्या किया बच्चों, आई सोल्ड द प्रॉपर्टी, मैंने वो प्रॉपर्टी बेच दी, ठीक है। नाउ आफ्टर सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, After, मैंने नकुल को प्रॉपर्टी बेच दी, नकुल को प्रॉपर्टी बेचने के बाद मैंने प्रॉपर्टी बोला नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं तो मजाक कर रहा था, क्या नकुल कोर्ट जा सकता है? लिख के बेचा था, रिटर्न अग्रीमेंट से बेचा था, क्या नकुल कोर्ट जा सकता है? यस, क्यों 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 जा सकता है? क्योंकि बेचने वाला कौन है, प्रॉपर्टी का ओनर है। तो प्रॉपर्टी का ओनर प्रॉपर्टी में जो भी ट्रांजेक्शन करेगा, क्या वो लीगली एनफोर्सिएबल है, क्या वो कोर्ट में चैलेंज हो सकते हैं? यस। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, रिवर्जन। नेक्स्ट क्या है, रिवर्जन। ध्यान से रिवर्जन, रिवर्जन रिवर्स प्लस एक्शन, रिवर्स प्लस एक्शन, ये दो वर्ड्स को अगर ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाता है रिवर्जन। रिवर्स का मतलब क्या होता है, आगे लेना पीछे लेना, पीछे लेने को मैं बोलता हूं वापस लेना, और एक्शन मतलब या वापस लेने का एक्शन लेना, वापस लेने का क्या लेना, एक्शन लेना। सो प्लीज हियर बच्चों, ध्यान से देखिए, अब अपने श्याम की वाइफ, श्याम की शादी हो गई है, बहुत प्यारी वाइफ है इसकी, और वो वाइफ मायके गई, श्याम बहुत परेशान करता था उसको, तो वो कहां चली गई, अपने माता पिता के यहां चली गई। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, 1 साल हो गया, वो वापस नहीं आई। क्या ये जा सकता है, मायके जा सकता है, साजन चले ससुराल जा सकता है, नहीं जा सकता है बच्चों, किस लिए जा सकता है, अपनी वाइफ को वापस लेने के लिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैंने मेरा मोबाइल फोन सेजल को दिया था यूज करने के लिए, इसे बोला सर 2 दिन के लिए दे दो, जरूरत है, मेरा फोन काम नहीं कर रहा है, तो मेरा फोन अगर काम नहीं करता तो लाखों लोग परेशान हो जाते हैं,
मैं ओके ओके, मैं लाखों लोगों की बद्दुआ का कारण बनने वाला नहीं हूं, मेरा मोबाइल ले लो 2 दिन के लिए. 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, शी इज नॉट रिटर्निंग माई मोबाइल फोन. क्या मैं कैन आई एक्सरसाइज द राइट ऑफ रिवर्जन? क्या मैं राइट ऑफ रिवर्जन एक्सरसाइज कर सकता हूं? क्या मैं अपनी प्रॉपर्टी वापस मांग सकता हूं? वेरी नाइस. नंबर टू. नंबर थ्री, मैंने इनको अपना घर किराए पे दिया है 11 महीने के लिए. मैंने अपना घर इनको क्या दिया है, कितने महीने के लिए? फॉर 11 months मैंने इनको प्रॉपर्टी लीज पे दिया है 11 महीने के लिए. 11 महीने का पीरियड खत्म हो गया है. क्या मैं अपनी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सकता हूं? क्या मैं अपनी प्रॉपर्टी पे वापस घुस सकता हूं? क्या मैं राइट ऑफ रिवर्जन एक्सरसाइज कर सकता हूं? यस और नो? लेकिन कब? जब मेरे पास कौन सा इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट. सो आप मुझे बताएंगे व्हाट इज राइट ऑफ रिवर्जन. अब तीनों चारों जो मैंने आपको एग्जांपल दिए उनमें से आप कौन सा एग्जांपल कंसीडर करेंगे और बाकी एग्जांपल्स को इग्नोर कर देंगे? यू विल बी कंसीडरिंग ओनली वन एग्जांपल. विच एग्जांपल? 11 महीने के मैंने प्रॉपर्टी दी थी वो. तो बच्चों एक चीज याद रखिए, राइट ऑफ रिवर्जन का मतलब होता है, राइट ऑफ रिवर्जन का मतलब होता है प्रॉपर्टी को वापस लेने का अधिकार. प्रॉपर्टी को वापस लेने का अधिकार या प्रॉपर्टी को रिक्लेम करने का. क्या क्लेम करने का? वापस से मांगने का अधिकार. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना एक घर गिरवी रखा, मेरे को 10 करोड़ का लोन चाहिए था, तो मैंने अपना घर गिरवी रख दिया. किसके पास गिरवी रख दिया? मैंने अपना घर HDFC बैंक के पास गिरवी रख दिया. क्यों रख दिया? बिकॉज आई वॉन्टेड अ लोन ऑफ ₹10 करोड़. ठीक है, 10 करोड़ का लोन चाहिए, मैंने घर गिरवी रख दिया. मैंने 10 करोड़ का लोन चुका दिया, मैंने क्लियर कर दिया 10 करोड़ का लोन. मेरे पास कौन सा राइट है? डू आई हैव अ राइट ऑफ रिवर्जन? तो राइट ऑफ रिवर्जन का मतलब क्या है? वापस लेने का अधिकार. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और हमेशा याद रखना, आपका राइट ऑफ रिवर्जन आपसे कोई भी छीन नहीं सकता. दिस राइट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. This right cannot be taken away from you by any person. So, reversion का मतलब होता है, ये सब important है बच्चों, ये सब exam में 3-3 marks के लिए आएंगे. Reversion means the right of receiving back the property. By whom बच्चों? By the owner. When the owner of the property transfers his property on what basis? अच्छा, lease भी हो सकता है, mortgage भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. It is the right of the owner of the property to receive back और मेक री एंट्री ऑन हिज प्रॉपर्टी. कब बच्चों? आफ्टर एक्सपायरी ऑफ व्हाट? पीरियड ऑफ लीज. दिस राइट ऑफ ओनर इज नोन एज व्हाट बेटा? राइट ऑफ रिवर्जन ऑफ ओनर. रमेश ने एक प्रॉपर्टी लीज पे दी रुपेश को, कितने महीने के लिए? 11 महीने के लिए. तो रमेश के पास राइट ऑफ रिवर्जन कब आएगा? 11 महीने खत्म होने के बाद. दैट्स इट. सो बच्चों यहां तक तो मैं आपको जो पढ़ा रहा था वो हनीमून था. हनीमून मतलब सब कुछ इजी इजी. जैसे अभी लास्ट बैच हम लोगों ने खत्म किया था 3 तारीख को ना, 3 जून को. तो 3 जून से लेके 19 जून तक बच्चों एकदम हम रिलैक्स थे बच्चों. कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं बच्चों, आराम से उठने का. बच्चों मैं दुनिया को ज्ञान देता हूं कि 4 बजे उठा करो, और मैं खुद उठ रहा था बच्चों 8:30-9 बजे. मुझे बहुत दुख हुआ बच्चों, लेकिन मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता था. ठीक है, तो फिर मुझे लगा कि मैं ज्ञान ठोकने में तभी अच्छा हूं जब मेरी क्लासेस. हाँ, आज बराबर मैं 4 बजे उठ गया. और ये सोचो मेरे को रात भर नींद नहीं आई. क्यों? मेरे को लग रहा था कि परफॉर्मेंस प्रेशर कि मैं 4 बजे उठ पाऊंगा, या तो रात को 1 बजे तो जागी रहा, मतलब बेड पे 9:30 बेड पे चला गया था सोने के लिए. 1 बजे तक तो बच्चों मैं जागी रहा था. पता नहीं कल रात को मुझे पता चला मेरी वाइफ नींद में बोलती है और मुझे वो चमका रही है, तुम यार कोई भी डब्बा खोलते तो बंद नहीं करते. मैंने बोला रात को 11 बजे? बोले आपने शक्कर का डब्बा खुला रखा है, बोले ऐसा नहीं चलता, ये बहुत गलत है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी. अरे बाप रे, मैं टेंशन में आ गया. वैसी नींद नहीं आ रही बच्चों, वैसी मैं एकदम डरा हुआ था. और बच्चों एक और डर मैं बता रहा हूं, मेरे को लेक्चर लेने से भी डर लग रहा था बच्चों. 20 दिन का गैप हो गया था ना, मेरे को लगा मैं बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, ऐसा मेमोरी फॉर्मेट तो नहीं हो जाएगा, गजनी तो नहीं बन जाऊंगा. सो ऐसा परफॉर्मेंस प्रेशर था, मैं आपको क्या बताऊं. और दूसरा कि 4 बजे उठ पाऊंगा या बच्चों, बहुत डर लग रहा था. फिर 1 बजे बच्चों, और जब आपको नींद नहीं आया तो आपको पता है एक आदत बहुत परेशान करती है, बार 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 बच्चों परेशान हो गया था बच्चों.
एनीवे बच्चों, सो अभी हनीमून पीरियड हमारा आज से खत्म हो गया, छुट्टी वाला पीरियड हमारा आज से खत्म हो गया, और अब जो है तो वैसे ये कंसेप्ट, अब जो अब थोड़ा सा कंसेप्ट, तीन कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया, अटैच टू अर्थ, इंस्ट्रूमेंट रिवर्जन और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। अब ये चारों इजी थे, अब जो मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाऊंगा ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। कौन सा कंसेप्ट है बच्चों? राइट ऑफ रिमाइंडर। ध्यान से कीजिए बच्चों, आई बिलीव इतनी जगह में हो जाना चाहिए। चल लिसन प्लीज हियर, रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? बचा हुआ, सॉरी बचा हुआ। ध्यान देखिए, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? द रिमेनिंग वन, बचा हुआ, ठीक है? प्लीज 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 प्लीज। सो इफ अ पर्सन अगर एक व्यक्ति अगर एक व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी का क्या है? ओनर है। सुनिएगा ध्यान से, अगर एक व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी का क्या है? ओनर है, और वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी में क्या क्रिएट करना चाहता है? इंटरेस्ट। क्या क्रिएट करना चाहता है? इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहता है। इंटरेस्ट मतलब राइट्स क्रिएट करना चाहता है, किसी की दिलचस्पी क्रिएट करना चाहता है। मैं किसी घर का मालिक हूं और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट क्रिएट करूं, तो दो तरह के इंटरेस्ट मैं क्रिएट कर सकता हूं। पहला होता है लिमिटेड इंटरेस्ट, और दूसरा होता है कौन सा इंटरेस्ट बच्चों? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। प्लीज हियर। सो एक इंसान अपनी प्रॉपर्टी में दो तरह के इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है। पहला कौन सा इंटरेस्ट है? लिमिटेड इंटरेस्ट है, और दूसरा कौन सा इंटरेस्ट है? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। ठीक है, नाउ व्हाट इज लिमिटेड इंटरेस्ट? अच्छा, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्या है? जब एक बंदा, यस, इस बंदे का नाम है राम, जब राम अपनी प्रॉपर्टी किसको सेल कर दे, जब राम अपनी प्रॉपर्टी किसको सेल कर दे? सोहन को सेल कर दे, तो राम ने अपनी प्रॉपर्टी में कौन सा इंटरेस्ट क्रिएट किया है? मैं राम हूं, मैंने अपनी प्रॉपर्टी वीना को बेच दिया, सोहन को बेच दी मान लीजिए। सो राम हैज बेटा, ध्यान गायब हो गया था, ये आपके बगल वाली, ध्यान हट गया था बेटा, हटा था क्या? नहीं, ओके सॉरी। तो वैसे ध्यान देखिए, ध्यान देखिए। सो मैं कौन हूं? मैं राम हूं, और मैं अपनी प्रॉपर्टी सोहन को क्या कर रहा हूं? सेल कर रहा हूं। तो राम क्या कर रहा है? अपनी प्रॉपर्टी में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है, करेक्ट है? क्योंकि मैं अभी तक ओनर मैं था, मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, तो ओनर आप बन जाएंगे, तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट किसको मिल गया? हु गॉट द एब्सोल्यूट इंटरेस्ट? सोहन गॉट द एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, करेक्ट है? और मैंने अपना राइट क्या किया? एक्सटिंग्विश कर दिया। क्या कर दिया? खत्म कर दिया और आपको दे दिया। लेकिन अगर मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी किस पे दी? किराए पर दी। मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी क्या दी? तो क्या है, मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिया या लिमिटेड इंटरेस्ट दिया? ओए, मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दी है, मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिया या लिमिटेड इंटरेस्ट दिया? लिमिटेड मतलब लाइफ टाइम वैलिड या फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड वैलिड? हमेशा के लिए वैलिड नहीं होता, ये कब तक के लिए वैलिड रहता है? पर्टिकुलर पीरियड के वैलिड होता है, करेक्ट है? तब राइट ऑफ रिमाइंडर जब हम पढ़ेंगे
तो इसमें हमको मानना है कि भाई मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है। यहां पे ध्यान से देखना, मैं प्रॉपर्टी का ओनर हूं, मैं अपनी प्रॉपर्टी सोहन को दे रहा हूं, किसको दे रहा हूं, एब्सोल्यूटली या फिर लिमिटेड पीरियड के लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए, तो उसको 11 महीने के लिए सकता हूं मैं। तो यहां पे इस कंसेप्ट के लिए यहां पे मैक्सिमम पीरियड जो है दैट कैन बी अप टू लाइफ ऑफ अ पर्सन, अप टू व्हाट बेटा, लाइफ ऑफ अ पर्सन। सो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सो राम ने, राम जो प्रॉपर्टी का क्या है, ओनर है, उसने अपनी प्रॉपर्टी श्याम को दी, कब तक के दी, अप टू लाइफ ऑफ श्याम। सो राम ने अपनी प्रॉपर्टी श्याम को दी, मैक्सिमम किस पीरियड की दी, अप टू लाइफ ऑफ श्याम। आपने मुझे यह बताना है, यू हैव टू टेल मी कि राम ने श्याम के फेवर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट किया या लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट किया, एब्सोल्यूट या लिमिटेड, लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट किया, पक्का, श्योर एवरीवन। चलिए अब ध्यान से, नाउ प्लीज हियर, बच्चे एक लड़की है, इसका नाम है सलमा, सलमान नहीं भाई, सलमान नहीं, सेक्स चेंज हो जाएगा, सलमा, ठीक है। सलमा से एकदम प्यारी दोस्ती थी हमारे पुरुवर की, इट वॉज मोर देन फ्रेंडशिप बट लेस देन अ रिलेशनशिप, आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज दैट, ठीक है। और इनका मोर देन फ्रेंडशिप वाला रिलेशन चला 2 years तक, कितने साल तक चला, 2 years तक चला। उसके सलमा का मन बड़ा चंचल था, इसकी चित्त बड़ी चंचल थी, चित्त मतलब होता है मन, और चित्त की चंचलता को ये काबू नहीं कर पा रही थी। तो पुरवर का एक दोस्त था नदीम, तो नदीम और सलमा फिर से क्या बन गए, गहरे दोस्त बन गए बच्चों। अच्छा तुमको क्या लगा, गहरा गड्ढा, तो बच्चों ये दोनों बड़े गहरे दोस्त बन गए, ठीक है। अगेन इट वॉज मोर देन फ्रेंडशिप एंड लेस देन रिलेशनशिप, ओके अच्छी बात है, अपने को क्या करने का। फिर सलमा इससे ही बोर हो गए, सलमा बच्चों बड़ा उसको लाइफ में नया पसंद था, नए लोग पसंद थे, तो सलमा इससे ही बोर हो गई बच्चों, और सलमा ने अपना नया दोस्त ढूंढ लिया, और इस बार था दुष्यंत जैन। मोर देन रिलेशनशिप एंड लेस देन फ्रेंडशिप, सॉरी उल्टा हो गया, ठीक है। तो दुष्यंत जैन और सलमा की भी अच्छी दोस्ती रही बच्चों, हमारा हमारा आपसी जो लगाव था वो 1 साल तक ही रहा, ठीक है, बहुत अच्छी दोस्ती हुई हमारी। फिर वापस से लेकिन सलमा का मन कहाँ मानता है, सलमा बार बार एक गाना गाती, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो सबसे करता है। उसके बाद बच्चों सलमा का नया दोस्त बन गया मयूर, मयूर से भी अच्छा, अब इसके साथ प्रॉपर रिलेशनशिप में आई हुआ, यहां तक भी प्रॉपर रिलेशनशिप ही था बट ठीक है, फेसबुक पे स्टेटस अपडेट नहीं हुआ था। और अल्टीमेटली हमारी क्लास के सबसे होनहार बच्चे जैन से उसकी क्या हो गई, शादी हो गई, शादी में जुलू लाना। शादी किसके साथ हुई बच्चों, जयंत के साथ हुई। बच्चों मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, पुरवर, नदीम, डीजे और मयूर,
हमको कौन सा इंटरेस्ट मिला, लिमिटेड या एब्सोल्यूट? आर यू श्योर वी गॉट लिमिटेड इंटरेस्ट? ओके. और लिमिटेड, सारे लिमिटेड इंटरेस्ट एक्सपायर हो गए. जिसका लिमिटेड इंटरेस्ट जितना था उसने उस लिमिटेड इंटरेस्ट में अपनी दोस्ती निभाई. और ये सारे लिमिटेड इंटरेस्ट खत्म होने के बाद एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, रिमाइंडर, बचा हुआ इंटरेस्ट किसको मिला? लेकिन जब बचा हुआ मिला, वो टेम्पररी के लिए मिला, टाइमिंग के लिए मिला या हमेशा के लिए मिला? That's it. आप लोगों ने बताया कौन सा खत्म हो गया कंसेप्ट, कौन सा? राइट ऑफ रिमाइंडर. तो जयंत को क्या मिल गया बच्चों? जयंत का, जयंत को इस केस में क्या मिला? He got a right of remainder. अब मैं इसको पूरा अच्छे से एक बार और अच्छे एग्जाम्पल के माध्यम से आप सबको मैं बता देता हूं. बड़ा सिंपल सा है. सो मान लीजिए राम हैज अ हाउस और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो किसके पास है? राम के पास है. ठीक है. अब राम क्या करता है, इस घर को देता है सुनील भाऊ को. कब तक के लिए? लाइफ के लिए. सुनील भाऊ की डेथ के बाद अनिल भाऊ को. कब तक के लिए? लाइफ के लिए. कब तक के लिए? लाइफ के लिए. अनिल भाई की डेथ के बाद हमारा जो महेश भाई है ना, महेश भाई, उसको, महेश भाई को मिलेगा. कब तक के लिए? लाइफ के लिए. और उसके बाद, और उसके बाद प्रॉपर्टी मिल जाएगी विमल को. कैसे मिलेगी उसके बाद? कैसे मिलेगी विमल को? मिलेगी एब्सोल्युटली. अच्छा, और ये सब कब डिसाइड हो रहा है? ये सब डिसाइड हो रहा है आज. आज कौन सी तारीख है? 20 जून 2019 को. ये सब मैं अगर राम हूं तो मैंने पहले ही बोल दिया कि मेरी प्रॉपर्टी सुनील को मिलेगी लाइफ के लिए. उसके बाद किसको मिलेगी? अनिल को मिलेगी लाइफ के लिए. उसके बाद किसको मिलेगी? महेश को मिलेगी लाइफ को, लाइफ के लिए. और उसके बाद किसको मिलेगी? विमल को. एब्सोल्युटली मिल जाएगी विमल को. क्या मिल जाएगी? विमल विल गेट द प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली. सो सुनील, अनिल और विमल, इन सबके फेवर में क्या है? इन सब के फेवर में है लिमिटेड इंटरेस्ट. बट विमल के फेवर में क्या है? विमल के फेवर में क्या है? अच्छा, पहले प्रॉपर्टी का पूरा आनंद कौन लेगा? जहां कील ठोकना है वहां ठोक देगा, जहां गड्ढा खोदना है खोद देगा, जहां सुसु करना है कर देगा. यस और नो? पूरा आनंद कौन लेगा? सुनील के बाद, अनिल के बाद, बचा खुचा राइट किसको मिलेगा? लेकिन विमल को राइट अधूरा मिलेगा या पूरा मिलेगा? एब्सोल्यूट. ओनरशिप किसके पास आएगी? उसी के पास आएगी जिसकी जुबान केसरिया है. बोलो जुबान केसरिया. यस और नो बच्चों? अल्टीमेटली हु इज गेटिंग द प्रॉपर्टी? विमल. तो रिमाइंडर किसके पास है? राइट ऑफ, अब आप बताओगे मुझे राइट ऑफ रिमाइंडर किसके पास है? पक्का विमल के पास है? Yes, right of remainder is with Bimal. Is that clear to each and every one of you? Bimal ke paas kya aa gaya? Right of remainder. So right of remainder kya hai? Achha, ek aur cheez. Ab are yaar, tum log doubt nahi pooch rahe yahan pe. Idhar dekho. Achha, in logo kab tak hai? Life tak ke liye. Matlab jaise Sunil ki death hogi, Anil ko milegi. Anil ki death ke baad property kisko milegi? और उसके बाद विमल की. तुम लोग डाउट नहीं पूछ रहे हो, बट यहां पे बहुत सारे डाउट्स बच्चे पूछते हैं. जैसे कि पहला डाउट, इन तीनों के मरने के पहले किसकी मौत हो गई? अगर विमल की मौत हो गई, इन तीनों के मरने के बाद क्या हो गई? विमल की मौत हो गई, तो क्या होगा? सॉरी, हमेशा याद रखना. अच्छा, विमल को क्या मिल रहा था? हमेशा याद रखना, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इनहेरिटेबल भी होता है और ट्रांसफरेबल भी होता है. सो भैया, अल्टीमेटली विमल को क्या मिलनी है? ओनरशिप मिलनी है. तो विमल की अगर डेथ हो जाती है,
महेश, तीनों की डेथ के पहले अगर किसकी डेथ हो जाती है, विमल की डेथ हो जाती तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? विमल के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। सर क्या विमल प्रॉपर्टी बेच भी सकता है? डेफिनेटली बेच सकता है, क्यों? विमल तो ओनर ही है ना प्रॉपर्टी का, ओनर है, बट एक ही शर्त है, क्या प्रॉपर्टी कब आएगी विमल के पास? विमल इज द ओनर, लेकिन शर्त एक ही है, क्या विमल के पास प्रॉपर्टी कब आएगी? जब वो तीन लोगों की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, तो विमल के पास प्रॉपर्टी आ जाएगी। ये सुनो, सो क्या इन तीनों के पास जब प्रॉपर्टी है, क्या विमल अपनी प्रॉपर्टी अमल को बेच सकता है? हाँ या ना? यस, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीनों की डेथ की प्रॉपर्टी किसके पास आ जाएगी? अमल के पास आ जाएगी। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? अब एक बंदे ने तो बच्चों डाउट पूछने के लिए इतना आतुर था, इतना उत्सुक था, उसने पूछा कि सर अगर मान लो तीनों मरे नहीं तो? मतलब अब मैं इसका जवाब क्या दूं? मतलब आप डाउट पूछने के लिए कुछ भी पूछो, ये तीनों मरे नहीं तो क्या होगा? मैंने उसको एक ही चीज बोला, भाई दुनिया में एक ही चीज सर्टेन है, एक ही चीज है जो होनी है, क्या? डेथ। तो बोलते सर मान लो नहीं मरे तो मेरा डाउट है, मान लो नहीं मरे तो मेरा क्या है? ये डाउट है। सर डाउट पे तो कुछ भी हो सकता है ना, आप भी इतनी सारी चीजें इमेजिन करते हो एग्जाम्पल में, तो हमने भी एग्जाम्पल, तो मैंने बोला उल्लू अगर नहीं मरे तो उनकी लाइफ चालू है, उनकी लाइफ क्या है? चालू है। तो सलमा ने प्रॉमिस किया था जैन से कि जैन जैसे ही मैं ब्रेकअप कर लेगी ना मयूर से, तेरे साथ शादी मनाएगी मैं। अब बेचारा जैन बैठा हुआ है कि ब्रेकअप होगा, ब्रेकअप हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, ब्रेकअप हो ही नहीं, बच्चों क्या करें? कुछ नहीं। ये सुनो बच्चों, वेट करते रहेगा और क्या बच्चों, ये सुनो, खत लिखेगा, टेलीग्राम पे चैट करेगा, व्हाट्सएप पे चैट करेगा। सो बच्चों एनीवे, तो मौत निश्चित है। अच्छा कई लोग ऐसा भी डाउट पूछ ले, चारों मर गए तो क्या होगा? मारना तो है, डाउट पूछना है, पैसा वसूलना है, चारों मर गए तो क्या होगा? मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, तुम नहीं पूछो तो मैं खुद ही डाउट पूछ रहा हूँ। अगर चारों मर गए तो भी आंसर सेम है, किसको जाएगी प्रॉपर्टी? किसके रिप्रेजेंटेटिव को? बिमल के रिप्रेजेंटेटिव को प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? सो अब चलिए और कुछ देखते हैं। अब मुझे बताइए, राम ने पहले प्रॉपर्टी किसको दी है? सुनील। कौन कौन है बच्चों? सुनील, अनिल और महेश। इन सबको प्रॉपर्टी कब तक के लिए? लाइफ के लिए। और उसके बाद विमल को क्या है? विमल को प्रॉपर्टी मिल रही, कैसे मिल रही है? एब्सोल्युटली राइट। सो बच्चों इन तीनों के राइट एक्सरसाइज करने के बाद जिस इंसान को प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली मिल रही है, प्रॉपर्टी उसके पास क्या है? राइट ऑफ। उसके पास क्या है? राइट ऑफ रिमेंडर। अच्छा ये महेश तो मर गया बच्चों, बट महेश की वाइफ जो है ना वो प्रॉपर्टी खाली नहीं कर रही है, तो क्या विमल राइट ऑफ रिवर्जन एक्सरसाइज कर सकता है? यस और नो? पक्का? चलिए अब ध्यान से देखिए। अब बच्चों इन तीनों के पास, सुनील अनिल और महेश के पास, कैन आई से प्रेजेंट राइट ऑफ प्रेजेंट पोजीशन है? प्रेजेंट राइट ऑफ प्रेजेंट पोजीशन मतलब प्रेजेंट राइट ऑफ प्रेजेंट पोजीशन, इसका मतलब क्या हो गया? मतलब उनके पास राइट भी है और वो उस राइट को एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है तीनों। और बिमल के पास क्या है? प्रेजेंट राइट है, लेकिन कब का? प्रेजेंट पोजीशन का या फ्यूचर पोजीशन का? फ्यूचर पोजीशन क्यों? क्योंकि वो राइट आज एक्सरसाइज करने वाले हैं या फ्यूचर में एक्सरसाइज करने वाले हैं? दे आर गोइंग टू एक्सरसाइज द राइट इन फ्यूचर, सो ही हैज द राइट ऑफ व्हाट? प्रेजेंट राइट ऑफ फ्यूचर। कंसेप्ट सब लोगों को क्लियर हो रहा है बच्चों? इज एवरीवन? तो बच्चों सुनील अनिल और महेश के राइट को वेस्टेड पोजीशन भी कहा जाता है। वेस्टेड, वेस्टेड पोजीशन मतलब, वेस्टेड का मतलब होता है दिया हुआ, दिया हुआ पोजीशन।
और इसके राइट को, विमल के राइट को क्या कहा जाता है? वेस्टेड पोजीशन या वेस्टेड इंटरेस्ट? वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब दिया हुआ ओनरशिप, दिया हुआ या ट्रांसफर्ड ओनरशिप, ट्रांसफर्ड। लेकिन ये ट्रांसफर्ड ओनरशिप अभी मिलेगी या फ्यूचर में मिलेगी? फ्यूचर में मिलेगी। इज दैट क्लियर? श्योर? क्या कोई भूलेगा कभी भी राइट ऑफ रिमाइंडर? अगर भूल गए तो याद रख लेना मेरी प्यारी सलमा को। यस और नो बच्चों? चलिए आगे बढ़ जाएंगे। नाउ लेट्स सी। सो राइट ऑफ रिमाइंडर इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स इन दिस पर्टिकुलर लॉ। लेकिन आप सबको समझा गया? डिफिकल्ट लगा गया? फालतू सर, फालतू की बातें करते हैं, कुछ नहीं सर का ये तरीका है। ओके ठीक है, जैसा भी है आपको समझना मैटर करता है। तो बच्चे नाउ ध्यान से देखेंगे, राइट ऑफ रिमाइंडर के बारे में बात करूंगा। प्लीज हियर। सो ये थियोरी है, एग्जाम में अगर आएगा तो आपको यही लैंग्वेज यूज करनी है। कई लोग मुझसे पूछेंगे बार बार, सर हम अपना लैंग्वेज यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर को आंसर से मतलब है। आप बच्चों मुझे भारत की राजधानी क्या है? मुझे दिल्ली सुनना है। अब आप दिल्ली बोलो, अपनी ओरिजिनल आवाज में बोलो दिल्ली तो भी चलेगा। आप लड़की की आवाज बोलो दिल्ली तो भी मुझे चलेगा। आप कुत्ते की आवाज बोलो ओ डी ओ ली तो भी चलेगा मुझे। आप बिल्ली बन के बोलो म्याऊ दिल्ली तो भी चलेगा मुझे। मुझे क्या सुनना है? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर द आंसर। सो आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए। सर हम मॉड्यूल की लैंग्वेज में लिखे तो हमको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे? तेरी औकात नहीं है मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखने की। मैं रट्टा मार लूंगा बच्चों, रट्टा भी मार के तुम मॉड्यूल की लैंग्वेज नहीं लिख सकते। वो ऐसी खतरनाक लैंग्वेज है, मैं आज तक नहीं समझ पाया बच्चों। ठीक है, तो मॉड्यूल की लैंग्वेज मेरे हिसाब से नहीं आप लिख पाएंगे। सो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड प्रेजेंट इन योर ओन लैंग्वेज। मेरे नोट्स की लैंग्वेज कंपैरेटिवली बहुत आसान है, तो आप ये भी फॉलो कर सकते हैं। ध्यान देखिए, सो राइट ऑफ रिमाइंडर के ऊपर 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में अगर आया तो। An individual can create two kinds of interest in his property. कौन कौन से interest create कर सकता है? Limited interest or absolute interest. Limited interest can be created in favor of whom बच्चों? One or more individuals still there. And then after completion of limited interest, the property is transferred in favor of a person who has been given what बेटा? और जैसे ही limited interest खत्म होता है, property किसके favor में transfer कर दी जाती है? उस इंसान के फेवर में जिसको प्रॉपर्टी में क्या दिया गया है? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। सो द पर्सन हु हैज गॉट एन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी कैन एक्सरसाइज व्हाट बेटा? राइट ऑफ रिमाइंडर। दिस राइट मींस द राइट टू रिसीव रिमेनिंग इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। कब बच्चों? रिमेनिंग इंटरेस्ट। लेकिन वो रिमेनिंग इंटरेस्ट क्या है? वो कंप्लीट है। रिमेनिंग इंटरेस्ट जो आएगा लेकिन वो क्या है? कंप्लीट है। जैन से सलमा की शादी होगी, भले ही वो रिमेनिंग है बट वो क्या है? शादी 7 जन्मों का बंधन है जैन बाबू। यस और नो बच्चों? आफ्टर एक्सपायरी ऑफ ऑल द लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएटेड इन द प्रॉपर्टी। एग्जांपल, एक्स ट्रांसफर्स हिज प्रॉपर्टी टू वाई फॉर लाइफ एंड देन जेड फॉर लाइफ एंड देन टू के फॉर लाइफ एंड देन टू पी परमानेंटली। इन दिस केस द राइट ऑफ पी इज व्हाट? इज द राइट ऑफ रिमाइंडर। नाउ वेस्टेड इंटरेस्ट। अब इसमें दो है, वेस्टेड इन पोजेशन और वेस्टेड इन इंटरेस्ट। वेस्टेड पोजेशन क्या है? लिमिटेड प्रेजेंट राइट ऑफ प्रेजेंट पोजेशन। वेस्टेड इन पोजेशन इट मींस द राइट ऑफ पर्सन हु रिसीव्स द लिमिटेड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। इट इज द राइट ऑफ व्हाट बेटा? इट इज द प्रेजेंट राइट ऑफ प्रेजेंट पोजेशन। राइट दिया भी आज है और एक्सरसाइज भी आज ही कर सकते हो। लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट इट इज द राइट ऑफ द पर्सन हु हैज रिसीव्ड एन absolute interest on the property or the right of remainder. It is the present right of what? Future and permanent possession. The person to whom property is given for life gets the wasted in possession. The person to whom property is given what beta? The person to whom property is given absolutely or permanently gets what? Wasted interest in the property. ठीक है, हमेशा याद रखिए वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफरेबल भी है और इनहेरिटेबल भी है। वेस्टेड इंटरेस्ट इज व्हाट? ट्रांसफरेबल एज वेल एज इनहेरिटेबल। चलिए नेक्स्ट देखते क्या है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट, अगेन इंपॉर्टेंट। कितने मार्क्स के लिए है? 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। कंसेप्ट का नाम है कौन सा? इंटरेस्ट।
3CM. सो बच्चों सबसे पहले तो मुझे ये बताइए व्हाट इज कॉन्टिंजेंट. एग्जैक्टली, कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है बच्चों, अगर आपको पता हो तो, अनिश्चित. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. ठीक है, और इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मतलब मैंने आपको प्रॉपर्टी का ओनर बना दिया. कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट मतलब आप प्रॉपर्टी के ओनर हो भी सकते हो और प्रॉपर्टी के ओनर नहीं भी हो सकते. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको. पहले एग्जांपल्स देता हूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. बच्चे ध्यान देखिए, मेरी एक सिस्टर है, ऐसे लग रहा है मिचलिन का टायर है. तो बच्चों मेरी एक सिस्टर है जिसका नाम है काजू. ठीक है, बहुत मोटी बच्चों, 300 किलो की है. अब बच्चों मैं बड़ा टेंशन हूं हर भाई की तरह, मेरी बहन की शादी तो आराम से हो जाएगी ना. तो काजू बोलती भैया मेरे को शादी नहीं करने की. मैंने नहीं नहीं शादी करने की, मुझे किशमिश चाहिए. तेरे छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो मुझे मामा 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 बुलाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. सो काजू के लिए हम लड़का ढूंढ रहे हैं. और बच्चों काजू को लड़के वाले देखने आते हैं बट जवाब नहीं देते. सुना होगा तुमने यार, लोग उसको देखने तो आते हैं बट जवाब नहीं देते. और काजू भी इसी बीमारी की शिकार है कि लोग देखने आते हैं पर क्या नहीं करते. इंग्लिश में कहूं तो पीपल डू नॉट टर्न बैक. ठीक है, सो बच्चों काजू के लिए हमने एक लड़का देखा जिसका नाम था बादाम. ये बहुत स्मार्ट था बच्चों. ये 350 किलो का एकदम हरफन मौला खिलाड़ी था बच्चों. तो मुझे लगा इन दोनों के जोड़ी मस्त है बच्चों, काजू और बादाम. बादाम भी नखरे का है बच्चों. मैंने वो बादाम से पूछा कि आपको किस टाइप की लड़की चाहिए. शर्ट पहना हुआ है. तो मैंने बादाम से पूछा कि भाई लड़की कैसी चाहिए. बच्चों लड़कों का एक स्पेशल चीज है, लड़के भले खुद कैसे भी देखते हो बट लड़कियों के लिए बराबर क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है कि देखो लड़की एकदम फेयर होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, टॉल होनी चाहिए, एकदम भोली भाली होनी चाहिए. मतलब सब चाहिए, सब मतलब कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं जो लड़के छोड़ देते हैं. लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं बच्चों. तो लड़कों के क्राइटेरिया ऐसे, खुद साले ऐसे देखते हैं कि बच्चों कीनिया वाले ने जब किसी बांग्लादेशी के साथ शादी की होगी तो पैदा हुए होंगे. खुद ऐसे देखते हैं. बट लड़की तो भैया ऐसी चाहिए जिसकी कोई लिमिट नहीं है. तो मैंने इससे पूछे बादाम से कि बादाम आपको कैसी लड़की चाहिए. तो बोला देखो एकदम बहुत अच्छी लड़की चाहिए, एकदम दुबली पतली होनी चाहिए, यू नो उसके सिक्स पैक एब्स होने चाहिए. अब आपको जैसे पता है मेरे पास फैमिली पैक है तो उसके पास सिक्स पैक एब्स होनी चाहिए और बहुत सुंदर होनी चाहिए, सुंदरता की मूर्त होनी चाहिए. तो फिर मैंने काजू को देखा. मैंने बोला मिचलिन टायर कैसा लगता है आपको. तो बच्चे एक बादाम तैयार नहीं होता. तो मैंने बादाम को एक ऑप्शन दिया कि बादाम तुमको पता है लोनावला में मेरा एक बहुत बड़ा घर है, बंगलो है, अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा के घर के बगल में ही है. देख ले मलाइका अरोरा बगल में रहती है. ऐसा मैंने किसको कहा? बादाम को कहा. और मैंने कहा कि बादाम, बादाम अगर तूने मेरी बहन से क्या किया, शादी किया, तो ये लोनावला वाला बंगला जो है ना मैं तेरे को गिफ्ट कर दूंगा, ये तेरे नाम पे कर दूंगा, जो भी है आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन मैं तेरे को गिफ्ट कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा. तो पहले तो ये बोलता है कि नहीं काजू बहुत मोटी है, नहीं चल पाएगा, ये वो हम दोनों कैसे फिट होंगे एक टू व्हीलर में, ये वो. जैसे ही मैंने इसको बंगले का प्रपोजल दिया बोलता है नहीं चल जाएगा, वैसे मैं भी मोटा हूं वो भी मोटी है, तो अच्छा है जोड़ी हमारा
सूट करेंगे दूसरे को, पतली लगी शादी की तो अच्छा नहीं लगे। तो बच्चे ध्यान देखिए, अच्छा अभी शादी किया है, अभी मैंने सिर्फ प्रॉमिस किया है। सो बच्चे 20 जून को मैंने उनसे वादा किया है कि भाई आप शादी कर लोगे तो मैं आपको ये बंगला दे दूंगा। नौ 20 जून को बादाम का मेरे लोनावला वाले बंगले में कौन सा इंटरेस्ट है, एब्सोल्यूट या कॉन्टिंजेंट? पक्का कॉन्टिंजेंट मतलब हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, या फिर बादाम को मेरे बंगले में राइट मिलना या मेरे बंगले की ओनरशिप मिलना डिपेंड करती है किसके ऊपर? किसके ऊपर? एक अनसर्टेन इवेंट के ऊपर, करेक्ट है। बादाम को मेरे बंगले की ओनरशिप मिलना डिपेंड करता है किसके ऊपर? अनसर्टेन इवेंट के ऊपर। अगर शादी हो गई तो जो बादाम का क्या था, शादी हो गई तो बादाम का जो कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट था कौन सा इंटरेस्ट था? दैट वुड कन्वर्ट दैट वुड इनटू व्हाट? इनटू एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। दैट वुड कन्वर्ट इनटू व्हाट बेटा? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। और शादी नहीं हुई तो बदनाम आ ही रहा था शादी करने के लिए रास्ते में, हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया बच्चों, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था बच्चों, शुगर बढ़ गया था, बीपी बढ़ गया था, किडनी खराब हो गया दोनों, और हार्ट अटैक आखिरी में आ गया। ये हार्ट अटैक बड़ा कभी भी आ सकते हैं बच्चों। मेरे चाचा जी एडमिट थे, उनकी दोनों किडनियां खराब थी, हार्ट बढ़िया था एकदम, शुगर एकदम बढ़ा हुआ था, दो दिन के बाद उनका डेथ हो गया। किसके कारण? हार्ट अटैक। तो हम लोग बड़े सरप्राइज हुए हैं, मतलब कितना चमत्कारी इंसान था, जाते जाते भी सरप्राइज देखे गया, लग रहा था कि किससे आएगा, हाँ लेकिन गया किससे, सरप्राइज। एनीवे बच्चों, तो भगवान सबका भला करे। तो एनीवे बताओ बच्चों यहां पे क्या होगा। तो शादी उसने कर लिया, अच्छा सॉरी शादी नहीं, वो अटक गया था रास्ते में, हार्ट अटैक आ गया, तो क्या होगा? ट्रांसफर वैलिड हो जाएगा या वॉइड हो जाएगा? ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट में, लेकिन कब? शर्त कंप्लीट हुई तो। इसको कंडीशनल ट्रांसफर बोलते हैं। कौन सा ट्रांसफर किया? तो मैंने, दुष्यंत जैन ने अपना बंगला जो ट्रांसफर किया है, किसको ट्रांसफर किया है? बादाम को ट्रांसफर किया है। यह एब्सोल्यूट ट्रांसफर है या फिर यह कंडीशनल ट्रांसफर है? Is it an absolute transfer or it's a conditional transfer? It is a conditional transfer. Is that clear to every one of you? So, बच्चों ध्यान से देखिए। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें हैं जो important हैं। अगर मान लो, अच्छा इसमें transferer कौन है? Who is the transferer in this case? दुष्यंत जैन इज द ट्रांसफर, करेक्ट है? सो दुष्यंत जैन इज द ट्रांसफर। हु इज द ट्रांसफरी? बादाम इज द ट्रांसफरी। बादाम इज द ट्रांसफर। अब बच्चों प्लीज हियर, मान लीजिए कंडीशन ऐसी थी, यहां पे एक एक्सेप्शन में बता रहा हूं, प्लीज हियर, मान लीजिए कि कंडीशन ऐसी थी जो बादाम फुलफिल नहीं कर पाया। कौन फुलफिल नहीं कर पाया? किसके चलते? ड्यू टू द रीजंस बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ ट्रांसफरी, ड्यू टू द रीजंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ट्रांसफरी, इस केस में ट्रांसफरी को कंडीशन फुलफिल करने से क्या मिल सकता है? एक्सक्यूज मिल सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, छोटा सा एग्जांपल ऐसा है, मान लो दुष्यंत जैन ने बादाम को कहा होता कि बादाम तुमको काजू से क्या करना है, शादी करना है, लेकिन और तुमने काजू से अगर शादी की तो मैं तुमको क्या दूंगा? अपना लोनावला वाला बंगलो दूंगा, लेकिन शर्त क्या है?
शर्त यह है कि तुमको काजू से जो शादी करनी है उसके तीन भाइयों से परमिशन लेके करनी है, पिस्ता, अंजीर और अखरोट, तीन भाइयों से परमिशन लेके शादी करनी है। शर्त क्या है? तुमको मेरी बेटी से शादी करनी है, मेरी बहन से शादी करनी है, लेकिन किसकी परमिशन से? तीन भाइयों की परमिशन से। और जैसे ही तुमने शादी की, मैं तुमको क्या दे दूंगा? परमिशन से शादी की, मैं तुमको क्या दे दूंगा? बंगला दे दूंगा। तो मुझे बताओ, बादाम का कौन सा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है? बादाम का कौन सा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है? एब्सोल्यूट या कॉन्टिंजेंट? कॉन्टिंजेंट, पक्का। बेचारा बादाम गया, दो भाइयों से परमिशन ले लिया, और दोनों भाइयों ने शादी के लिए क्या बोल दिया? इसके पास पहुंचा, अखरोट के पास पहुंचा, तो बच्चों अखरोट को किसी ने फोड़ दिया था, अखरोट मर गया था। बच्चों अखरोट जो है परमिशन देने के पहले ही दर्दनाक तरीके से क्या हो गया? उसका मौत हो गया। बच्चों तो बच्चों बादाम ने क्या किया? अखरोट से परमिशन लिया या नहीं लिया? नहीं लिया। और उसने डायरेक्टली किसके साथ शादी कर ली? काजू के साथ शादी कर ली। क्या बादाम बंगलों को क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता है? यस, कर सकता है। तो हमेशा याद रखिए, अगर ट्रांसफ्री जो है क्या ना कर पाए, कंडीशन को फुलफिल ना कर पाए। क्यों फुलफिल ना कर पाए? ड्यू टू द रीजंस विच आर बियॉन्ड हिज कंट्रोल। तो क्या होगा इस केस में? इस केस में ही गेट्स, व्हाट डज ही गेट? ही गेट्स एन एक्सक्यूज। इज एवरीवन विद मी? तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? दिस कंसेप्ट, ये जो ट्रांसफर मैंने आपको पढ़ाया, इसको बोलते हैं कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट या फिर कंडीशनल ट्रांसफर। क्या, कौन सा ट्रांसफर बोलते हैं इसको हम? कंडीशनल ट्रांसफर। लेट्स सी, एक बार देखते हैं अपने नोट्स में क्या लिखा है। चलिए देखते हैं। कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? इट मीन्स एन अनअसर्टेन राइट्स। अनअसर्टेन राइट मतलब क्लियर या अनक्लियर? अनक्लियर राइट इन द प्रॉपर्टी। व्हेन द प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर्ड टू एन इंडिविजुअल ऑन सेटिस्फेक्शन और फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशंस और ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर, अनअसर्टेन के बदले अनसर्टेन इवेंट भी लिख सकते हो। अनसर्टेन इवेंट सच काइंड ऑफ ट्रांसफर क्रिएट्स विच इंटरेस्ट बच्चों? कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट। किसके फेवर में? किसके फेवर में? ट्रांसफरी के फेवर में। ठीक है। अच्छा, जब तक शादी नहीं हुआ है, चलो एक अच्छा क्वेश्चन पूछता हूं, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस है, पढ़ाई वढ़ाई से इसका कोई लिंक नहीं है। 20 जून को मैंने प्रॉमिस किया था कि भाई शादी कर लेना मेरी बेटी से या मेरी बहन से, और 25 जून को उसने शादी कर लिया। 25 जून को उसने क्या कर लिया? तो 20 से 25 तक मेरा इंटरेस्ट क्या है प्रॉपर्टी में? मेरा भी कॉन्टिंजेंट है, मेरा एब्सोल्यूट है? 20 से, हमेशा याद रखना, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट एब्सोल्यूट ही रहता है। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्या रहता है? मैंने प्रॉमिस किया था कि भाई तू शादी करेगा तो मैं तेरे को प्रॉपर्टी दे दूंगा, तो जब तक तुम शादी नहीं करते मेरा इंटरेस्ट क्या है? माई इंटरेस्ट विल बी एब्सोल्यूट ओनली। मेरा इंटरेस्ट एब्सोल्यूट है, तुम्हारा क्या है? अब बच्चों लफड़ा क्या हो गया, शादी का 7वां फेरा कंप्लीट कर रहा था वो, अब मेरा डेथ हो गया। मतलब शादी पूरी होने के पहले मेरा डेथ हो गया। प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी? कंडीशन फुलफिल होने के पहले ट्रांसफरर की डेथ हो गई, मिलेगी या नहीं मिलेगी? दिव्या नहीं, और ना मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी? जैसे ही मेरा डेथ हुआ, मेरा बेटा पीछे खड़ा था, बल्ले बल्ले डांस करने लगा, ओ बल्ले बल्ले। क्यों? अब बादाम को प्रॉपर्टी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इज ट्रांसफरेबल एज वेल एज
इनहेरिटेबल, जैसे ही मेरा डेथ होगा प्रॉपर्टी मेरे बेटे को मिल जाएगी. कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट इज नीदर ट्रांसफरेबल नॉर इनहेरिटेबल. समझ में आया? हाँ, लेकिन कंडीशन फुलफिल होने के बाद मेरा डेथ हुआ तो सातवां फेरा हो गया, मैं जो काजू थी वो मेरे से आशीर्वाद देने आई, मैंने आशीर्वाद दिया, हार्ट अटैक. क्या करने का? बादाम डांस करे फुल. यस और नो बच्चों? क्यों? कंडीशन फुलफिल हो गई तो जैसी कंडीशन फुलफिल हुई वो ओनर बन गया. यस और नो बच्चों? चलिए ना, इफ द कंडीशंस ऑफ ट्रांसफर आर फुलफिल्ड, इन दिस केस द कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट क्रिएट्स और अमाउंट्स टू व्हाट बेटा? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट. अरे एक मिनट, क्रिएट्स और अमाउंट्स टू एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, बट एब्सोल्यूट इंटरेस्ट कांट बिकम, ये तो कुछ नहीं, लाइन कट कर देना बच्चों. हाँ मतलब एब्सोल्यूट इंटरेस्ट कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट बन नहीं सकता, लेकिन कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट क्या बन सकता है? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट बन सकता है, लेकिन ये लाइन मत लेंगे, छोड़ो. एवरी कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट कैन बिकम व्हाट बेटा? बट एब्सोल्यूट इंटरेस्ट कैन नॉट बिकम. एब्सोल्यूट इंटरेस्ट सीधे ट्रांसफर होता है ना बच्चों, मैंने वही बताया कि 20 से 25 तक जब तक तुमने शादी नहीं की थी मेरा इंटरेस्ट क्या था? एब्सोल्यूट ही था. एग्जाम्पल, राम श्याम, राम सेज टू खुश, इफ यू मैरी माई डॉटर आई विल ट्रांसफर यू माई बंगलो. इफ द कंडीशन ऑफ ट्रांसफर आर नॉट फुलफिल्ड, इन दिस केस द ट्रांसफर बिकम्स व्हाट बेटा? इनवैलिड. बादाम ने मेरी बेटी से शादी करने के पहले या मेरी बहन से शादी करने के पहले बादाम ने क्या किया? भाग के शादी कर ली. क्या कर ली बच्चों? बादाम ने भाग के शादी कर ली. किसके साथ? मूंगफली के साथ. मैं बोलूंगा भाड़ में जा, तू लाया कि नहीं था काजू की? ये सर नो बच्चों, तू मूंगफली खा के अपना जीवन निकाल. चले बच्चों, सो ये हो गया ना. बच्चों ये एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया, अगर आप पास्ट एग्जाम पेपर निकालेंगे तो यू विल फॉर मेनी टाइम्स यू विल सी कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है. क्या बच्चों? डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच में? वेस्टेड इंटरेस्ट और वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस कई बार एग्जाम में आ चुका है. आप बता सकते हो सबसे पहला डिफरेंस क्या है? ओके अच्छा एक चीज, वेस्टेड इंटरेस्ट में आपको प्रॉपर्टी मिलती है बिना किसी कंडीशन के? नहीं सर, वहां पे डेथ होती है, लेकिन डेथ कोई कंडीशन है क्या? कंडीशन वो है जो अनसर्टेन होती है. डेथ क्या है? डेथ तो होना ही है भैया. सो वेस्टेड इंटरेस्ट में इट इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट, इसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती विथ, द ट्रांसफर इज डिपेंडेंट ऑन एनी इवेंट विच इज, ट्रांसफर होना ही है. द ट्रांसफर इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट बेटा? जो हो भी सकता है. और वेस्टेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टेक्स इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट. बच्चों मैंने एक मिनट मैंने प्रॉमिस किया था, मैं रिमाइंडर में मैंने एग्जांपल दिया था, 20 जून को मैं अपनी प्रॉपर्टी सुनील को दे रहा हूं, मोहन को दे रहा हूं, अरिहंत को दे रहा हूं. कब तक के लिए? लाइफ के लिए. और इनकी डेथ के बाद सुनील को. तो प्रॉपर्टी का ओनर कौन बन गया? सुनील. किस तारीख से? किस तारीख से प्रॉपर्टी का ओनर सुनील बन गया? किस तारीख से? 20 जून से ही बन गया. प्रेजेंट राइट, राइट आपको आज ही मिल गया, बट राइट आप एक्सरसाइज कब करोगे? फ्यूचर में. सो वेस्टेड इंटरेस्ट जो है इट टेक्स इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर. हाँ लेकिन कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट किस डेट से इफेक्टिव होगा? 20 तारीख को मैंने बादाम को बोला था कि भाई शादी करेगा तो प्रॉपर्टी मिलेगी, और उसने 26 तारीख को शादी की, तो प्रॉपर, तो कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट किस डेट से इफेक्टिव होता है? किस डेट से? जिस डेट को ट्रांसफर किया या जिस डेट को कंडीशन फुलफिल हुई? जिस डेट को कंडीशन फुलफिल हुई. सो कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट हैज द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम द डेट ऑन विच व्हाट इज फुलफिल्ड? कंडीशन इज फुलफिल्ड. वेस्टेड इंटरेस्ट इज ट्रांसफरेबल एज वेल एज, मतलब तीनों के मरने के पहले, याद है क्या? तीनों के मरने के पहले अगर विमल मर गया, मैंने एग्जांपल दिया था, तो प्रॉपर्टी किसको मिलती है? विमल के बेटे को. यस और नो?
और विमल चाहे तो तीनों के मरने के पहले अपनी प्रॉपर्टी बेच भी सकता है. यस, सो वेस्टेड इंटरेस्ट इज व्हाट? वेस्टेड इंटरेस्ट इज ट्रांसफरेबल एज वेल एज इनहेरिटेबल, बट कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट, कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट इट इज नीदर ट्रांसफरेबल नॉर इनहेरिटेबल. मतलब अच्छा एक मिनट, बादाम की इच्छा नहीं है शादी करने की, तो क्या बादाम जो है, बादाम की क्या नहीं है बच्चों, इच्छा नहीं है शादी करने की, तो क्या बादाम छुआरे को बोल सकता, खजूर को बोल सकता है कि खजूर एक काम कर दुष्यंत सर की बहन से तू शादी कर ले, तेरे को प्रॉपर्टी मिल जाएगा? नो, कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होगा. अच्छा मान लो बादाम की डेथ हो गई, तो शादी के पहले बादाम की डेथ हो गई, तो बादाम का छोटा भाई है वो बोलता है मैं शादी कर लूंगा, मैं शादी कर लूंगा, नहीं, कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट इज नीदर ट्रांसफरेबल नॉर इनहेरिटेबल, बट वेस्टेड इंटरेस्ट, अच्छा या वेस्टेड इंटरेस्ट या फिर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, इट इज ट्रांसफरेबल एज वेल एज इनहेरिटेबल. Property is transferred to X for life and then to Y completely. So Y gets what beta? Vested interest. If I say to Y, if you marry P, I will transfer you my bungalow. ये दोनों के क्या हैं बच्चों? ये दोनों के examples हैं. So can you write these five points in the exam? बच्चों क्या आप ये पांच point exam में लिख सकते हैं? और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, आता है बच्चों यहां से क्वेश्चन, वेस्टेड इंटरेस्ट और कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंसेस बताइए. और एक और चीज याद रखिए, भले मैं टेबल यूज करता हूं बट आप एग्जाम में कभी भी टेबल यूज नहीं करेंगे. आईसीएसआई डज नॉट लाइक टेबल्स. सो क्या करोगे आप, पहले पांचों पॉइंट किसके लिखोगे? वेस्टेड इंटरेस्ट के. फिर पांचों पॉइंट किसके लिखोगे? कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट के. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा यहां पे वो चीज नहीं लिखी ना, एक पॉइंट यहां पे मिसिंग है. कौन सा पॉइंट मिसिंग है? एक पॉइंट लिख, खराब के नोट नहीं, बट एक पॉइंट मिसिंग है. कौन सा? कि अगर कंडीशन को फुलफिल करना इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ट्रांसफरी देन ही गेट्स एन एक्सक्यूज. मैं नोट्स में डाल दूंगा, अभी नए नोट्स मैं आपको देने वाला हूं. बच्चों बस करना है आज के लिए. चले, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच.